Good evening, sir. इतना अर्जेंट था क्या? आधा घंटा पहले दिल्ली से फोन आया था सर। क्या कहते हैं? हमने जो कोर्ट में स्वर्गीय राजा जगदीश जी के खिलाफ केस लड़ा था वो हम लोग हार गए हैं सर। वसीयत के हिसाब से अब राजा जी की पूरी जायदाद की हकदार है उनकी बेटी मलीश्वरी। तो राजा साहब की जो पूरी जायदाद आपको मिलने वाली थी वो मलीश्वरी के 21 साल होने के बाद उसे दे दी जाएगी। और वसीयत के हिसाब से मलीश्वरी के मामा मतलब आप मलीश्वरी के दादाजी श्री राम मोहन राव जी के परिवार को 1,00,000 रुपए और राजा जी की दूसरी पत्नी के भाई को हर महीने 50,000 रुपए देंगे। डैडी, डैडी। सर, सर, रिलैक्स सर, रिलैक्स, रिलैक्स। I'm sorry सर। 750 करोड़ लग गए तुम्हारे सॉरी में। गलती मेरी ही थी जो तुम मेरे वकील हो। केस हरवा दिया, पर याद रखो केस मैं ही जीतूंगा। जानता हूं तुमने मुझे बहुत लूटा है, चोर हो तुम। ऐसी बात नहीं सर। मैंने तुम पे दया करके सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़वाई। इन 2 सालों में 2 बंगले बनाए और 3 फ्लैट खरीदे, लेकिन मैं केस हार रहा हूं। मलेश्वरी, मलेश्वरी 21 साल की लड़की मिर्जापुर घराने की युवरानी बनेगी। उसके जन्मदिन पर मुझे ये करोड़ों की जायदाद उसके कदमों में रखनी पड़ेगी और मैं भिखारी हो जाऊंगा। रखूंगा, मैं जरूर रखूंगा, पर इसे स्वीकार करने के लिए वो नहीं रहेगी। प्रॉमिस। उसके 21वें बर्थडे केक पर कैंडल जलने से पहले उसके सर के पास दिया जलेगा। माय डियर लॉयर, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। मलेश्वरी को जान से मार दूंगा। साहब, दादाजी आपको बुला रहे हैं। ओके। किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर से तुमने गड़बड़ की ना? हा? तुम सुधरोगे नहीं। ए लक्ष्मी रुको, एक बात पूछता हूँ, सच बताना। क्या है? गमले को धक्का मारते ना तो किसी ने देखा ना किसी को मालूम ही है। वहाँ गमले का टुकड़ा नहीं, पौधा नहीं, मिट्टी भी नहीं है, कार पर कोई धब्बा भी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पर गमला नहीं है। अभी आया साहब। चुप कर, मेरी गाड़ी तेज है। क्या हुआ साहब, ऐसे कांप रहे हैं? ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो फैन बंद कर दीजिए ना। इसलिए तो तुझे बुलाया है, बंद कर दे। अच्छा देख मेरा चप्पल कहाँ है। चल एक सिगरेट पिला। लाइटर जला के दूं? हाँ यही तो है, मैं ले लूंगा। आरती ले लो। तेरे पेट का दर्द कम हुआ या नहीं? नहीं हुआ। मेरी बात मान,
सात शुक्रवार, 14 शनिवार, 21 रविवार को उपवास कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये सब किया तो पेट दर्द नहीं, मैं ही चला जाऊंगा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया? मैंने? लक्ष्मी ने बताया। उसने जगाने के लिए कहा होगा। सो स्वीट। इनका रोज यही ब्रेकफास्ट है क्या? इडली डोसा ऐसा कुछ नहीं खिला सकते क्या? ये सब खाएंगे तो नहीं उठ सकते बेटा, फिर तुम्हारी तरह देर से उठेंगे। दादाजी किसने गोली चलाई? पिताजी ये सब उस भवानी शंकर का ही काम हो सकता है। वकील साहब अब क्या करने वाले मुझे पता नहीं, वो आज ही मुझे जेल में दिखना चाहिए। ये बुलेट कौन से गन से आई है ये बताना आसान है, लेकिन इसे किसने चलाया ये बताना मुश्किल है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, वो लोग ये केस हार रहे हैं इसीलिए मलेश्वरी की जान के पीछे है। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? जजमेंट आने तक हमें इंतजार करना होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मल्लेश्वरी को कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर भेज दे तो? मल्लेश्वरी तुम वैजाग के मूर्ति को जानती हो ना? कुछ समय के लिए तुम वहां चली जाओ, ठीक है ना? दादाजी मुझे छोड़कर जाने के लिए तुम्हें मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारी जान के लिए खतरा है। वहां पर तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, मेरी बात मानोगी ना मेरी प्यारी बेटी? नमस्ते मामा जी। आओ आओ, नमस्ते। आओ, कैसे हो? बड़े दिनों बाद अचानक से याद आ गई। अंदर जाके बात करते हैं, यहीं पर बोलूं? बात बहुत लंबी है क्या? हाँ। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। और बताओ क्या चल रहा है, सब कुशल मंगल है ना? जी मामा जी। और छुटकी कहाँ है? वो स्कूल गई है। मामी नहीं है क्या? अरे वो हमारे पड़ोसियों के साथ फिल्म देखने गई है। क्या? साथ में पड़ोसी की बीवी भी है। आओ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठो। अच्छा अब बताओ बात क्या है? मेरे भाई की शादी के बारे में आपसे बात करनी थी। हाँ। साथ में पंडित जी को भी लाया। नमस्ते। ये देखिए उसका लेटेस्ट फोटो। मैं तो इसे बचपन से देख रहा हूँ। हाँ। फोटो की क्या जरूरत है, इस भी थोड़ा मोटा हो गया है। हाँ? सुने मामा जी। हाँ। जब हमने इसका रिश्ता आपकी बड़ी बेटी के लिए लाया आपने कहा उम्र ज्यादा है, और जब हम दूसरी बेटी का हाथ मांगने आए तो आपने कहा उसका रिश्ता पक्का हो गया है। चलो ठीक है, अब तीसरी के साथ उसका रिश्ता पक्का करते हैं। ये भी कोई बोलने की बात है? आखिर प्रसाद में कमी क्या है? पढ़ाई लिखाई, खूबसूरती, जमीन जायदाद, ये सब कुछ भी नहीं है, लेकिन बैंक में जॉब तो है। अगर आप अपनी बेटी से पूछ लेते तो? ठीक है अभी पूछ लेते हैं। बेटी अनुसुईया। आई पापा। मेरी बीवी को पौराणिक नाम बहुत पसंद है, सबके नाम ऐसे ही रखे हैं, सावित्री, रुक्मणी और ये अनुसुईया। तुम्हें पता है क्या, ये तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। इनका छोटा भाई है ना प्रसाद, फोटो देखकर बताओ तुम्हें कैसा लगा? और ये तीसरा महीना है। क्या? दो साल से पहचानती हो? हाँ? तीसरा महीना? वो
कोई बात नहीं, ठीक है पापा। किसी के साथ भी मस्ती करो, लेकिन तुम्हारी शादी प्रसाद के साथ ही होगी। वो बैंक में काम करता है, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। हा? आजकल बैंक में नौकरी वाला लड़का मिलता कहाँ है? सही कह रहे हो पापा। पंडित जी, ये बात मैं उसको कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एक बार शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप, मतलब इसे भी रिजेक्ट कर दें? मेरे देवर को लड़की चाहिए, रेडीमेड माँ नहीं। अभी तक 24 रिश्ते देख चुके हैं और एक देख लिया तो सिल्वर जुबली तो पक्की है। लगता है आपके भाई के तकदीर में कोई लड़की नहीं है। ये तो नहीं पता, पर शादी के नाम से खुश हो जाता है। बचपन में वो दूल्हे का ड्रेस पहन के माँ को बहुत सताता था। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ उसने पूजा ना की हो, किसी भगवान को नहीं छोड़ा। अरे भाभी, आज दर्शन कितने अच्छे हुए पता है? नारियल फोड़ा, बराबर आधा फूटा है, ऊपर से फूल भी आया इसमें। वो लड़की उल्टियां कर रही थी। सच्ची? हाँ प्रसाद, हा? तेरा नाम सुनते ही उसने उल्टी कर दी। नाम पसंद नहीं आया होगा, और कोई पसंद आ गया होगा। कोई बात नहीं भैया, आज के लिए बहुत कॉमन है। उसका तीसरा महीना चल रहा है, पेट से है। और नहीं तो क्या, हम लोग जो मिठाई लेकर गए थे वो उसके गोद भराई में काम आ जाएगी। ये मिठाई का आइडिया तेरे भाभी का था, ऊपर से वो पंडित का कमीशन। पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था। अब क्या करेंगे भैया? खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। अब क्या करेंगे, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे बारे में आप क्या करेंगे ये पूछ रहा हूँ। क्या रे, तुझे शादी की इतनी जल्दी क्यों है? अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं उसमें 60 तो लड़कियां होती है। प्रॉपर प्लानिंग करे तो एक नहीं दो शादियां कर सकते। लेकिन ये सब कब होगा? होगा, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है। मेरे सारे क्लासमेट्स की शादियां हो गई और दो दो बच्चे भी हैं। और सबको छोड़ो, ये पेट में थी तो भाभी को हॉर्लिक्स दिया था मैंने। पैदा होने के बाद सरेलक लाया, उसके बाद कॉम्प्लेन लेकर आया और अब डेरी मिल्क लेकर आता हूँ। ऐसे क्या देख रही है, कल तेरा भी यही हाल होगा। इन पे अगर भरोसा किया ना तो कुछ होना जाना नहीं है। जाओ। कितना कंट्रोल कर रहा हूँ पता है। एक दो तीन चार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राजू। गुड मॉर्निंग सर। छे, फिर से गिनना पड़ेगा, एक दो तीन। क्यों प्रसाद, शादी नहीं हो रही इसलिए परेशान हो क्या? दिन पर दिन दुबले होते जा रहे हो। मैं दुबला नहीं हूँ, तू ही ड्रम की जैसी हो रही है। इसको सबके हेल्थ की पड़ी रहती है। सर मिठाई। आज तेरा बर्थडे क्या सिनू? नहीं सर, मेरी शादी तय हुई है। शादी? ये लीजिए। थैंक यू। इसकी पगार 3,000 रुपए है, मेरी 9,000 रुपए। इसकी शादी हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही? क्या कमी है मुझमें? आखिर क्यों नहीं हो रही शादी? कमी कुछ नहीं है, थोड़ी उम्र ज्यादा है बस। अरे प्रसाद, अरे तुम नहीं, कुंवारा प्रसाद, तुम ही। मेरी शादी नहीं हुई इसलिए आप अगर मेरे को कुंवारा प्रसाद कह के बुलाएंगे तो मैं भी आपको पायल शंकर कहूंगा। सोच लो क्या करना है। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तीन तीन प्रसाद। वो सब ठीक है लेकिन वीर वेंकट प्रसाद तो एक ही है ना। चलिए काम बोलिए। अच्छा, एलएनटी वाले स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें जल्दी तैयार कर दो। राजू। क्या सर? जरा वो एलएनटी की फाइल भेजो। ठीक है सर। 63 मैं नहीं करूंगा सर। हाँ कहिए। मुझे यह अकाउंट ओपन करना है। एक मिनट, बाजू के काउंटर पे जाइए, जाइए। उन्होंने ही यहाँ भेजा है। तो फिर कल आइए। एक फॉर्म की तो बात है सर। मेरे पास नहीं है। एक फॉर्म भी नहीं रखता है। मैडम इधर आइए। हर चीज के लिए ना बोलते हैं, लगता है इनको काम ही नहीं करना। देख के समझ जाते हैं। राव सर जरा देखिए ना। देख रहा हूँ सर, काम को उनको नहीं। इसको क्या हो गया? Hi. Hi. I'm Mona Lisa. I'm Prasad. Oh. एक मिनट।
कॉफी लोगी या चाय लोगी? देखिए बात यह है कि मुझे कुछ लोन चाहिए। हाँ बिल्कुल। लोन मिलने के लिए क्या करना होगा? अकाउंट ओपन करना होगा। अकाउंट ओपन के लिए ज्यादा प्रोसेस नहीं, सिर्फ फोटो और सिग्नेचर चाहिए बस। दो क्यों? एक तुम्हारे लिए। तुम्हारी फाइल नीचे गिर के उठाओ। नहीं तो अब देखो एक एप्लीकेशन फॉर्म देना। थोड़ी नाटी है साहब। फाइल्स पहना देंगे। और बहुत दुबली भी है। मैं डाइटिंग करूंगा। ये लीजिए। थैंक यू। वो आपका फोटो। वो कल आपको दे दूंगी। ओ श्योर। ओके बाय। बाय। सर सब लोग मिठाई पूछ रहे हैं। कृष्ण वेणी को भी दू क्या? ओके आपकी जल्द ही शादी हो जाए। छूटे हाथों से ना पल्लू तेरा, गोरे गालों की है ये शरारत सनम, हुआ मैं फिदा। साथ है तेरा तो यूं लगा, प्यार की ख्वाहिशों का है समा, मेरी ख्वाहिश में तू ही बसा, तू बसा, तू मेरे पिया। Oh my darling, Monalisa, कैसा नशा छा गया। छूटे हाथों से ना पल्लू तेरा, गोरे गालों की है ये शरारत सनम, हुआ मैं फिदा। जो तुझे देखा रफ्ता रफ्ता तू गले मिलकर गायब हो गई, अब तू मिली हो। नर्म नर्म जो बाहें तेरी एक नशा सा है, मेरे दिल पर आग मत लगा, मुझ में यूं ही। नर्म होठों से तू अपने मुझ पे मीठी बारिश कर दे, तू सुकून दे अब जरा सा दिलरुबा। साथ है तेरा तो यूं लगा, प्यार की ख्वाहिश
हुआ सर? कुछ याद आ गया क्या? पता नहीं क्यों रोना आया। मैनेजर साहब आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। परेशान मत होइए, मैं बात कर रहा हूँ। आओ प्रसाद बैठो। कॉफी लोगे? नहीं सर। या फिर एक चाय पियोगे? बात क्या, बोलिए। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ तो प्रसाद, तुम्हें तो इस बिचारी के बारे में सब कुछ पता है। वो यहाँ रहती है, उसका पति हैदराबाद में रहता है, बहुत परेशानी होती है। वो भी इसी बैंक में काम करता है। तो म्यूचुअल ट्रांसफर लेके तुम हैदराबाद चले जाओ तो यहाँ आ जाएगा, दोनों तोता मैने की जोड़ी मिल जाएगी। बैंक का काम छोड़कर दोनों रोमांस करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है प्रसाद। उनको यहाँ बुलाने से अच्छा इनको वहाँ भेज दीजिए, सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। यहाँ इनका अपना घर है, बताओ उसे छोड़कर कैसे जाएंगी? हैदराबाद में मुझे किराए का घर मिलना और भी मुश्किल है। तुम्हारी शादी हुई है क्या? जाने में क्या परेशानी है? वही तो परेशानी है, यहाँ पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा, इतना बड़ा सर्कल होने के बाद भी कोई लड़की नहीं दे रहा, हैदराबाद में कौन देगा? तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? सिंपल, बोलो कि अपने पति को तलाक देकर यहाँ किसी से शादी कर ले। ये ठीक रहेगा। आप चुप रहिए सर, बदमाश कहीं का। राम सीता जैसी जोड़ी को अलग कर रहा है, तेरी शादी कभी नहीं होगी। तेरे कहने से क्या होगा। गुड मॉर्निंग, फाइल का है? गुड मॉर्निंग सर। हाय। हाय, ये लीजिए मेरी फोटोग्राफ। एक मिनट। ये कौन है? ये आपके पति हैं? नहीं, गई भैंस पानी में। ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। इन्हें भी यहाँ अकाउंट ओपन करना था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे इन्हें यहाँ ले आई। इसके बाद आप क्या करोगी? आइसक्रीम पार्लर जाओगी, एक कोल्ड ड्रिंक में 200 डॉलर पियोगी। और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एक पासपोर्ट साइज फोटो, 10th क्लास की मार्क लिस्ट, एक नेटिविटी सर्टिफिकेट और आपको बैंक में इंट्रोड्यूस करवाने वाले का साइन, 500 रुपए मिनिमम बैलेंस, 12 साइन करके हम जो टोकन दे रहे हैं उसे लेकर 2 घंटे इंतजार करो बाहर, आपको पासबुक मिल जाएगी। लेकिन आपने ये सब कल नहीं बोला था? कल आप इनको भी साथ नहीं लाई थी। अगले 3 महीने में मैं आपको शुभ समाचार दूंगा। वो क्या है? कल मैं एक बहुत अच्छी लड़की देखकर आया हूँ। लड़की को कौन सा महीना चल रहा है? अरे हर लड़की पेट से नहीं होती, उस दिन एक गलती हो गई। हाँ नहीं पंडित जी, आप जीवन भर किसी भी लड़की की शक्ल नहीं देखूंगा। ये लास्ट है। देखिए यजमान, इतना परेशान मत होइए, अगले महीने शून्य मास आ रहा है, इसी बीच रिश्ता पक्का कर देंगे। अरे 10 माघ मास में नहीं हुई तो एक शून्य मास में क्या हो गया? उसे देखोगे तो ऐसा नहीं बोलोगे। उस लड़की के बारे में मैं सिर्फ 3 बातें बताऊंगा आपको। ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरत है, लता मंगेशकर जैसी गाती है और माधुरी की तरह डांस करती है। तो बोलो शादी नहीं, फिल्मों में ट्राई करें। जब इतनी सारी अच्छाई है उसमें तो उसे शादी करने की क्या जरूरत है? आप इतना नकारात्मक क्यों सोचते हो? देखिए भगवान सबकी जोड़ी बना कर भेजता है, लड़का एक तरफ लड़की दूसरी तरफ, फिर वक्त आने पर दोनों को मिला देता है। वैसे ही तुम्हारे भी नसीब में कोई होगी। पूछ रहा हूँ वो कौन है, कहाँ पर है, मेरे लिए बनी है, कैसे पता चलेगा? वो लड़की दिखाई देगी तो फूलों की बरसात होगी क्या? आसमान से बिजली गिरेगी, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देगा। पंडित जी रिश्ते बताइए बस, स्टोरी मत सुनाइए। कर रही है बेटा, वो कर लेगी ना। कोई बात नहीं अंकल। कॉफी? सुबह राव का कॉल हो तो बोलो, मैं नहीं हूँ। ठीक है, हेलो, किससे बात करनी है? मैं सुबह राव की वाइफ हूँ, आपके पति हैं? हाँ यही है। मेरे पति उनसे बात करना चाहते हैं। मैं सुबह राव हूँ, क्या आपके पति हैं वहाँ? वो यहाँ नहीं है। देख रही हो बेटी, तुम्हारी चाची कितनी ज्यादा होशियार है, कॉमन सेंस तो इसमें जरा भी कॉमन नहीं है। आपने सही कहा, ये सब संगत का असर है। ओहो, तुम में समझ है क्या? तुमसे ज्यादा। बकवास मत करो, काम करो। जब से मलेश्वरी इस घर में आई है उसी से काम करवा रही हो, कभी घर के बाहर तो कभी घर के अंदर। आंटी कुछ नहीं बोल रही है अंकल, ये सब काम करना मुझे पसंद है। सब काम आने चाहिए, कल को किसी के घर पे जाएगी। उसे ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, वो युवरानी है। है तो एक लड़की ना। अब अगर तुमने कुछ बोला ना तो भोग के मर जाऊंगा मैं। तो देरी किस बात की, माफ करो मुझे।
किससे मिलना है? मेरा नाम आंध्रा बैंक है। वर प्रसाद की चुन्नी उड़कर आई तो अकाउंटेंट के तौर पे पकड़ा है। सॉरी, कंट्रोल कंट्रोल। मेरा नाम प्रसाद है। आंध्रा बैंक से चुन्नी उड़कर आई तो पकड़ लिया। ये चुन्नी आपकी है? थैंक्स। आपका नाम क्या है? पल्लवी। पल्लवी जी, बारिश कम हो तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। मेरा मतलब बारिश कम हो तब तक मैं आपके शरण ले सकता हूँ। थैंक्स। कौन है? कोई मिस्टर प्रसाद है, आंध्रा बैंक में काम करते हैं। अच्छा, चुन्नी अच्छा। गिर गई तो लेकर आए हैं। पल्लवी बोली कि आइए कॉफी पी लीजिए। पल्लवी कौन है? आप बैठिए ना, बैठिए। इसका नाम मल्लीश्वरी है, कॉफी तैयार है। का नाम क्या है? पल्लवी जी, आपका नाम क्या है? ओह, बताया है, मल्लीश्वरी। मल्लीश्वरी जी, आपका आंध्रा बैंक में अकाउंट है? नहीं। ओह, ओपन करना है क्या? नहीं। ये लीजिए कॉफी। थैंक यू आंटी। तुम बड़े नेक इंसान हो। पता है, शादी के पहले ऐसे ही मेरा दुपट्टा उड़ गया था, पर किसी ने वापस नहीं किया। आपको कभी बाहर देखा नहीं? वो ज्यादा बाहर नहीं जाती, लेकिन हर शाम 5 बजे वो लाइब्रेरी जाती है। इसके मामा वहाँ काम करते है। लाइब्रेरी में मेंबरशिप का कितना लगता है? अच्छा, चलता हूँ। अच्छा, अगली बार आने से पहले फोन करूँगा। हाँ, जरूर। वैसे आपका फोन नंबर क्या है? 254-3348-49 है। मैं डेली फोन ही करूँगा, दिन में एक ही बार करूँगा। 3 गिनने तक आवाज देगी और सॉरी बोलेगी। 1, 2, 3। सुनिए। आई नो। हाँ जी, बोलिए। ग्लास। आई एम सॉरी, बहुत अच्छा है। चांदी का है? हाँ, चांदी का है। स्टील का होता तो मैं मांगती भी नहीं। चल, चलता हूँ। आंटी, वो कौन है, क्या है, फिर भी आपने उसे नंबर दे दिया? हेलमेट। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग। मल्ली कहाँ है? ओके, मुझे कोई मर्डर मिस्ट्री नॉवल बताइए ना अंकल। क्यों, माँ बहुत गुस्सा कर रही है क्या? गुड वन। हाय। हाय। मूवी देखने चलेगी अभी? नहीं, थैंक्स। एक्चुअली मेयर प्रकाश आ रहे हैं। तुम्हें नहीं पूछा तो तुम बुरा मानोगी ना, इसलिए पूछ लिया। स्टूपिड। बाय। हाय, आप भी इस लाइब्रेरी में आती हैं? सरप्राइज। आपकी यहाँ पर मेंबरशिप है? मेंबरशिप? अरे वो तो कब से है। कल आते वक्त अपना फोटो ले आई है। कब मेंबरशिप कार्ड मिलेगा? अरे तो इतना छोटा और इतनी बड़ी बुक क्यों, तेरे को समझ में आएगी क्या? ये मेरी टेक्स्ट बुक है। क्यूट बॉय। आपको बच्चे बहुत पसंद है क्या? बहुत पसंद है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी शादी नहीं हुई अभी। अभी नहीं हुई, प्रॉब्लम है क्या? मतलब बेसिकली मुझे शादी करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्यों मतलब, शादी यानी 5-स्टार होटल में डिनर खाना। खाते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बिल देते टाइम परेशानी होती है। समझी नहीं। समझ में नहीं आया? अच्छा, मैं ठीक से बताता हूँ। शादी मतलब भैंस पालने जैसा है। जब वो दूध देती तो अच्छा लगता है, लेकिन जब गोबर करती तो बहुत चिढ़ाती है। मतलब? इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। ये टॉपिक यही रोक देंगे प्लीज। मुझे जाना है। मैं भी आता हूँ। मली, पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे प्रसाद। हाँ सर। यहाँ हो जरा। इसको इस टाइम पर ही सब याद आ जाता है। आ रहा हूँ सर। हाँ सर। हाँ बोलिए। देखो, जीएम आ रहे हैं, आज कितनी भी देर हो जाए अकाउंट्स अपडेट होनी चाहिए। घर फोन करके बता दो। ओके सर। हेलो मैनेजर साहब, घर देर से आएंगे मैडम। जी ठीक है मैडम, बोल दिया सर। अरे कितना टाइम हो गया सीनू। फूलन देवी जी। हाँ? ये रहा आपका, ऐसे संभाल कर रखिये। मेरी कुर्सी पर क्यों रखा?
कैसा इंसान है, इससे पीछे भी आंखें क्या? ए, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैनेजर पूछे तो। आप क्लाइंट से मिलने गए? कब आऊंगा पूछे तो? कल सुबह आएंगे। शाबाश, बहुत आगे जाएगा तू। कभी 150 चाहिए तो मुझे बोलना। सर 100 रुपए दीजिए ना। हाँ बस सर, भिख मंगे आ गए, बाद में देता हूँ ना। जल्दी आ जाना माली। हाँ? तो यही रुक, मैं हाफ एन आवर में आ जाऊंगी, प्लीज। ए, ऐसे रोज रोज मिलने जाना गलत बात है। पता है, इसलिए आज राजेश से मिल रही हूँ। बाय। स्टुपिड। सर सर, एक रुपया सर, एक रुपया साहब, प्लीज साहब, प्लीज साहब, एक रुपया दो ना साहब। सर सर, बहुत भूख लगी है सर। क्यों दूं तेरे को पैसे? तूने कर्जा दिया मुझे क्या? उधार दिया क्या जो मांग रहा है? एक वजह बता कि मैं तेरे को पैसे क्यों दूं, बोल। मेरे मुंह मत लग, जा यहां से। सर, अब तेरे को क्या चाहिए? आइसक्रीम खाएंगे, मैंगो वाला एकदम फ्रेश है। ठीक है सर, डिस्काउंट भी दूंगा आपको। मुझे नहीं चाहिए। क्या 2 रुपए भी नहीं है? ऐसा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, पसंद नहीं है। रोड साफ करने के झाड़ू के तिनके पे बर्फ का टुकड़ा लगा के रंग डाल के बेच रहा मैं बच्चा दिख रहा हूँ क्या? अब 1 मिनट भी अगर तू यहाँ दिखाना तो तेरी मुंडी यही गाड़ दूंगा मैं। जा यहाँ से। चले आइसक्रीम बेचने। अरे वाह, तुम भी इसी बीच पर आई हो। और कितने बीच हैं इस शहर में? करेक्ट। शाम हो गई है, आपको घर जाना होगा। किसके लिए जाऊं घर? क्यों, तुम्हारा कोई नहीं है? सब है, एक भैया है, भाभी है, और उनके 6 साल के संसार में 7 साल की एक बेटी है। वो कैसे? सॉरी, उनके 7 साल के संसार में 6 साल की एक बेटी है। तुम्हारी उनसे जमती नहीं? ना ना ना, उन दोनों का नहीं जमता है। भैया को बहुत गुस्सा आता है, भाभी की नाक भी चढ़ी रहती है, तो नेचुरली कि उनमें झगड़ा होता ही रहता है। अरे हमेशा तलाक की बात करते रहते हैं, ये भी नहीं सोचते कि बेटी का भविष्य क्या होगा। किराए का घर नहीं, 900 स्क्वायर फीट की जेल है। आई एम सो सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रही है? अब लॉकेट अच्छा है? ये लॉकेट नहीं, हनुमान जी का ताबीज है। बचपन में मैं बीमार हो गया था तो माँ ने बांधा था। इससे कुछ भी मांगो तो इमीडिएट मिल जाता है, बहुत ही पावरफुल है। चाहे जान चली जाए इसे नहीं उतारूंगा। आइसक्रीम खाइए, ताजी आइसक्रीम। अभी लेकर आता हूँ। ठंडी आइसक्रीम, ऑरेंज है। दो आइसक्रीम दे तो। आपको नहीं दूंगा। प्लीज दो ना। रोड साफ करने की लकड़ी पर बर्फ और रंग लगाकर बेचता हूँ, आप क्यों खाएंगे? अरे इतनी सी बात पे तुम बुरा मान गए? दो ना, लड़के के सामने मेरी इज्जत का सवाल है। नहीं देने वाला। 10 रुपए दूंगा। कहाँ ना, सॉरी। चल ठीक है, 20 दूंगा। जाइए यहाँ से। चल फाइनल 50। मेरा टाइम खोटी मत कीजिए, जाइए यहाँ से, निकलिए। ये लो, दे दो। ठीक है, बाकी के 50 वो भूल जाइए। आइसक्रीम ये लीजिए। थैंक्स, यू आर वेलकम। कैसा लगा? अच्छा है ना? मैडम मैडम, प्लीज मैडम, 1 रुपया मैडम। आपका दिल बहुत डायल हुआ। मेरे को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बोला ना। 10 रुपए? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मर गए। कितना? 100। अपनी बेटी की ट्यूशन की फीस भरनी थी। कितना भी कंट्रोल करूं लेकिन 20-30 हजार महीने के तो ऐसे ही चले जाते हैं। क्या करूं, मेरा दिल ही ऐसा है। यू आर ग्रेट। थैंक यू। अभी मेरी फ्रेंड आएगी तो मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठिए बैठिए ना, आइए। अरे मैं ड्रॉप करता हूँ, ये बैग पकड़िए, आइए आइए प्लीज आइए। ओके, बैठिए बैठिए। थैंक्स गुरुजी, 3 बोलने तक ये लड़की पलट के देखनी चाहिए। 1 2 3 यस।
सुनिए आपका बैग। मैडम टी, ये तो सब गड़बड़ है, उधर रखो। ये दो तीन चार, ये क्या है? अरे सिनु, क्या हुआ सर? सुन, एक रेजर और एक फेनल ऑली का शीशा लाकर अपने बाथरूम में रख। मतलब लड़की बहुत गोरी है ना सर? तुझे कैसे मालूम रे? नहीं तो आप फिजूल में इतने पैसे क्यों खर्च करेंगे? यही तो तेरा प्रॉब्लम है, उंगली पकड़ाओ तो तू फट से हाथ पकड़ लेता है। सर क्या वो लड़की बहुत खूबसूरत है? खूबसूरत? ऐश्वर्या और करीना को मिक्सर में 15 मिनट डालने के बाद जो निकलेगी ना, वैसी दिखती वो। ऐसे लड़की से आप शादी करेंगे सर? देखेंगे, कर ली तो उसकी किस्मत, नहीं की तो लड़की की किस्मत। अब आप दोनों की बातचीत हो गई क्या? अरे इसमें बात का क्या है, कल ही बीच पे बैठ के आइसक्रीम खाई साथ में, आज मिलेंगे कुछ और खाएंगे। आपने ये सब कैसे किया सर? बात यह है कि मेरे पास बाय बर्थ होशियारी है, कल मैं अपना बैग मलेश्वरी के पास भूल गया था। Hey, सेकंड क्लास में पढ़ती हो, 8 में से 9 निकालने के लिए पास में से उधार लेना नहीं मालूम? डैडी आपने ही बोला था किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। अब तो मुझे सिखाओगी? चुपचाप बैठकर होमवर्क करो। एक्सक्यूज मी, आप प्रसाद के बड़े भाई हैं क्या? क्या तुम उसकी शिकायत करने आई हो? कल हमारे घर में ये बैग भूल गए थे। तुम्हारे घर क्यों आया वो? क्योंकि यहाँ नहीं आना चाहते थे। आप जा रहे हो? हाँ। आपसे 1 मिनट बात करनी है। सॉरी, मेरे बस का वक्त हो गया। एक बस चली गई तो दूसरी बस मिल जाएगी, लेकिन एक जिंदगी चली जाए तो दूसरी नहीं मिलती। सही कह रही हो, मगर लेकिन किसकी जिंदगी? सब जानते हुए भी आप जिद करना क्यों नहीं छोड़ते? जिद नहीं मैडम, पंक्चुअलिटी। वक्त पर नहीं गए तो काम नहीं होगा। एक काम नहीं हुआ तो मैं दूसरा काम कर लूंगा, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बोल रही हो? आप गलत काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी बीवी की जिंदगी से खेलने का हक आपको नहीं है। क्या? मैं उसकी जिंदगी से खेल रहा हूँ? ये मेरी जिंदगी से खेल रही है। और क्यों छुपाते हैं आप? उनको देखिए कैसे रो रही है। क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं जी, मैं तो प्याज काट रही थी। झूठ मत बोलिए, आप इन पे जुल्म कर रहे हैं। ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। टॉपिक डाइवर्ट मत कीजिए। देखो असल में तुम कौन हो, हमारे घर क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए? आप दोनों खुशी से रहिए, यही मैं चाहती हूँ। हम बहुत खुश है। नहीं, मुझे प्रसाद ने सब कुछ बता दिया। इस छोटी सी बच्ची की खातिर आप मिलकर नहीं रह सकते? आप तलाक लेकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तलाक? क्या रे, इतने ध्यान से पढ़ रही, तेरे पिताजी बाहर नहीं गए क्या? ये ले तेरे लिए चोकोबार। नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास बड़ा बार है। ठीक है, रख ले। भाभी अर्जेंट पानी गर्म रखिए, मुझे नहाकर तुरंत बाहर जाना है। और ना रखूं तो बिना नहाए चला जाऊंगा। क्या बात है, सब लोग सीरियस क्यों है? क्या बात है भैया, गले में पट्टा, एकदम हीरो लग रहे हो आप। मलेश्वरी आई थी? आपने कहा आपको गांव जाना है? पोस्टपोन कर लिया। थोड़ा काम है, बाहर जाकर आता हूँ मैं। तू भी पोस्टपोन कर ले। भैया भाभी के सामने ऐसे झगड़ा करना शोभा नहीं देता। कोई बात नहीं, डॉली डर जाएगी भैया। ये बेल्ट उसी ने दिया है। तू आजकल बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रहा है। रुक, क्या कर रहा है? भाग रहा है? रुक जाइए, कहाँ भाग रहा है? रुक 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 भैया, मैंने कुछ नहीं किया। रुक, मैं तुझे छोडूंगा नहीं। रुक, कहाँ भाग रहा है? अरे बेटा, टमाटर ले लो, टमाटर, टमाटर 20 रुपया किलो, टमाटर ले लो, टमाटर 1 किलो एग्स दो। दर्जन भर चाहिए? ये लो। कितना? 12 रुपए। 1 के 12 हुए तो 12 12 144। चिकन से भी सस्ता है। बहुत सस्ता है। अरे एक डजन अंडे 144 रुपए में देगा? मैंने लिए, इन्होंने ही तो दिए थे। इन्होंने दिए तो ले लेगा। ए, उसे छोड़ो। इतना झूठ बोला और फिर भी आप बोलो छोड़ दूँ। तुम्हें भी तो छोड़ दिया। मतलब मैंने झूठ बोला? मैंने झूठ बोला? यू मीन मैंने झूठ बोला? ओके, झूठ बोला है, लेकिन क्यों बोला है उसके बारे में सोचो जरा। तुम टीवी नहीं देखती हो, इसलिए क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर सकते। टीवी सीरियल्स के बारे में बात आउट ऑफ क्वेश्चन। और क्या बात करना है? लाओ बैग दो मुझे। मैंने झूठ या सही जो कुछ भी बोला, लेकिन मेरे जैसा फ्रेंड नहीं मिलेगा आपको। वन मिनट। लोग बाग भी केले के छिलके बीच सड़क पे फेंक देते हैं। डर्टी फेलोस, रोड पे फेंकने की जगह है, अगर किसी का पैर फिसल गया तो? मैं ऐसे काम कभी नहीं करता। अब भैया भाभी को तुमने देखा ना, वैसे नहीं है वो।
जब लोग नहीं देखते तो भाभी भैया से झगड़ा करती है, लेकिन तुम्हें ऐसा फील करने की जरूरत नहीं। तुम ऐसा फील मत करना कि तुमने मुझे गलत समझा। मैं कभी ऐसा नहीं समझता, जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब कितना भी बोलूं नहीं मानोगी, यही फाइनल है। ओके, गुस्सा आपको ही नहीं हमें भी आता है। अब ये ब्यूटीफुल फेस लाइफ में कभी नहीं दिखाऊंगा। बाय, गुड बाय। जैसी बनी गुनगुनाती हुई तेरी हंसी, तेरी दास्ता नहीं खत्म कभी, मेरे रास्तों की मंजिल है यही। जैसी बनी गुनगुनाती हुई तेरी हंसी, तेरी दास्ता नहीं खत्म कभी, मेरे रास्तों की मंजिल है यही। तेरी कोयल जैसी तुम सा नहीं कोई, दिए इंतजार के जलते हैं, कई कार्ड प्यार में मिलते हैं, ये दुआ बद्दुआ है कोई, ये सजा पाई मैंने कैसी, मुस्कुराओ तो बहते हैं आंसू, हालत ये हुई मेरी कैसी। तुम कभी मेरे रास्तों की मंजिल है यही। धरती पे नहीं रुकते, चांद से नहीं आते, यही चांदनी है मेरी राहों में, यही रोशनी है मेरी आंखों में, तेरे साथ साथ चलता ही रहूं, तेरा प्यार प्यार रब से मांगू, करो मुझसे यूं ही मुलाकातें, मेरे होठों पे हमेशा तेरी बातें। तू फूल के जैसी बनी गुनगुनाती हुई तेरी हंसी, तेरी दास्ता नहीं खत्म कभी, मेरे रास्तों की मंजिल है यही।
क्या बात है, टमाटर की दाल अच्छी है, और खिलाओ। आजा तू भी खाना खा ले। बस भाभी, तुम लोगों को इस तरह देख के पेट भर गया। अरे उंगली कट गई है इसलिए। तो स्पून से खा लेते, और नहीं तो खाना ही छोड़ देते। अरे शादी के लायक लड़का घर में बैठा और आप ऐसी हरकतें कर रहे, अच्छा लगता है? अरे भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, कल तेरी बीवी भी तुझे ऐसे ही खिलाएगी। 7 साल से ऐसे ही बोल रहे हैं आप, शादी तो दूर सुहागरात भी नहीं हुई है, अरे मतलब सगाई भी नहीं हुई है। हर चीज का अपना वक्त होता है। इंटरेस्ट होना चाहिए भाभी, आपके घर वाले दहेज नहीं दे सकते थे इसलिए मना कर रहे थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती आप दोनों की शादी करवाई। अब दहेज की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लकीली पिताजी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए भाभी, छोटे भाई का बैग लेकर एक लड़की घर क्यों आई? छोटा भाई उसके घर क्यों गया? बैग क्यों भूल गया? तुम लोगों से झूठ क्यों बोला? शायद छोटा भाई उस लड़के को चाहता है इसलिए मुसीबत उठा रहा है, लेकिन आप लोगों ने कभी एक बार भी पूछा कि ये मामला क्या? कभी नहीं। हम तो उसका पता भी नहीं जानते। हाउस नंबर 14 सेक्टर 4 एमसीपी कॉलोनी वाइजेक, ये पता है उसका, नाम है मलेश्वरी। माँ बाप भी इधर ही है, अब तो कुछ कीजिए। अभी मल्लेश्वरी की शादी के बारे में नहीं सोचा है। तो जब आप करना चाहेंगे हम इंतजार करेंगे। असल में हमें कोई जल्दी नहीं है। आपने बात कहीं और पक्की की है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या वो किसी से प्यार करती है? बिल्कुल नहीं। फिर क्या है प्रॉब्लम? वो हमारी बेटी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। मतलब? उसके माँ बाप गुजर चुके हैं, वो अनाथ है। ऐसा रिश्ता मिलना उस लड़की का सौभाग्य है, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए। क्या आप लोगों को पता है कि आखिर मल्लेश्वरी कौन मैं है? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम अंदर जाओ। दरअसल मेरी बीवी उसे गांव से लेकर आई है। मतलब यहाँ काम करती है? बिल्कुल। लेकिन आप चुप रहिए, हम बिना किसी पूछताछ के ही आपके घर आ गए, हमें माफ कीजिए। कोई बात नहीं, तुम चलते। नमस्कार। मैनेजर के केबिन में। क्या है ये? कह रहा है कि इसने बैंक को 10 लाख लोन दिया। 10,15,000 सर। बैंक को कोई लोन देता है क्या? वो सुन, कल से आने की जरूरत नहीं है, तेरी पगार भिजवा दूंगा। यस। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बस अभी आया। आ जा। खुद को होशियार समझते हो? क्या हुआ? 2-4 बार बात क्या की तुमने, तो घर पे रिश्ता भेज दिया। ओह, भैया भाभी आए थे? हाँ, मुहूर्त निकालने के लिए पंडित को लेकर आए थे। सॉरी भैया, मैं अभी तक आपको समझ नहीं पाया। तुम इतने घटिया निकलोगे मुझे पता नहीं था। तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो क्या? अच्छा। तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? ओह नो। तुम्हें क्या लगता है, तुम इतनी बत्ती सी दिखाकर जो हंसते हो उस पर लड़कियां मरती हैं? वो शट अप। इस शहर के पागलों को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं ना, पर तुम जैसे पागल को उन्होंने खुला छोड़ दिया। थैंक्स। देखो, अगर तुम दोबारा मेरे घर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। मतलब लाइब्रेरी में आ सकता हूँ ना? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करता। मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो। इस बार सिर्फ बातों से समझाया है, अगली बार हाथों से बोलूंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। छी। ओके ओके, मैं आता हूँ जरा। ओके ओके, जरूर लेकर आऊंगा, तैयार है ना? ठीक है ओके। क्या कह रही थी? पिक्चर देखने के लिए कह रही थी, कल नहीं जा पाया इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गई। पिक्चर देखते? ऐसी लड़की मुझसे पूछे तो मैं रात को शमशान भी चला जाऊँ। अब क्या करते हैं? मैं सीए हूँ, मेरा छोटा भाई आंध्रा बैंक में अकाउंटेंट है। अच्छा अच्छा, ये देखो आ गया, 100 साल जिएगा। ये मेरा छोटा भाई है, प्रसाद। नमस्ते, प्रसाद। यहाँ आओ। लड़का बहुत स्मार्ट है। इसके पहले मोटा था लेकिन आजकल ये डाइटिंग कर रहा है। ये राघव राव जी है, तुम्हारे लिए उनकी बेटी का रिश्ता लाया है। मल्लेश्वरी, भूल जाओ भैया, वो इतने दिन बाद तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, तुम बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कह। लेकिन भैया सुनिए। हाँ आ रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते, मेरी बेटी की फोटो। आपकी बेटी बहुत अच्छी है। अगर आपको इनसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दरअसल आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। बताइए। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी बेटी से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। प्यार का क्या है, बैंक 5 बजे बंद हो जाता है, 1 घंटा उस लड़की के साथ घूमूंगा और घर आ जाऊंगा, फिर आपकी बेटी के पास ही रहूंगा। व्हाट्स हर नेम, क्या नाम बताया आपने? जानकी। वाकई बहुत ही अच्छा नाम है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं, किसी और को प्यार करता है, मेरी बेटी को ठीक से संभालेगा नहीं, यही डाउट है ना आपको? अब देखिए, हमारे घर में पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, इसके बाद कलर टीवी आ गया, तो उसको फेंक देते क्या, उसको बेडरूम में रखकर देखते, ये भी ऐसे ही है।
वो प्यार है, ये शादी है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, बस आप यही समझ लीजिए। कल को चार लोग कहेंगे तो आपको परेशानी होगी। बाकी बातें भैया से कर लीजिए, मैं चलता हूँ। लड़के ने साफ साफ सब कुछ बता दिया, तो मेरा कमीशन कितना है? प्यार किसी और से और शादी किसी और से? कोई और नहीं, लड़की का नाम मल्लेश्वरी है, बहुत खूबसूरत है। सब कुछ जानकर भी ये रिश्ता लेकर आया है? कान खोल कर सुन, दोबारा अगर मेरे चौकट पर दिखा तो तेरी खैर नहीं, समझा? वो कहाँ गए? वो तो चले गए। चले गए, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब, उनको मल्लेश्वरी के बारे में पता चला। मल्लेश्वरी प्रसाद, क्या है भैया, तुमने उनसे क्या कहा? देखिए, अच्छा होगा अगर आप मुझे जाने दें, आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला, आप लोग कोई और पंडित ढूंढ ले। इतने सालों बाद सामने से एक अच्छा रिश्ता आया, तुमने उसे भी ठुकरा दिया। मैंने क्या किया भैया? मल्लेश्वरी के बारे में तुमने बताया ना, उसने तुम पे क्या जादू किया है? माँ बाप नहीं है, धन दौलत नहीं है, गोत्र जात पता नहीं है, वो उनके घर पे काम वाली है, ऐसी लड़की से तुम्हें शादी करनी है? जब मैंने मल्लेश्वरी से प्यार किया तो उसकी धन दौलत और उसकी जात नहीं देखी। अब पता चला ना। हाँ तो आपने भी जब भाभी से शादी की तो दहेज छोड़ दिया था ना? मल्लेश्वरी के माँ बाप नहीं है ये सच है, लेकिन शादी के बाद माँ बाप नहीं बल्कि पति सब कुछ होता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक गुणों की बात है तो मल्लेश्वरी में वो सारे गुण हैं, कुछ भी बुराई नहीं है उसमें। रही बात जात की, तो लड़ने के लिए जात की कोई जरूरत नहीं होती, दो इंसानों की शादी के लिए उनकी जात पूछी जाए ये मुझे पसंद नहीं है। लड़की को जब देखने जाते हैं तो देखते हैं कि उसे खाना बनाना आता या नहीं, लेकिन मैं ये चीजें बिल्कुल नहीं देखता भैया, क्योंकि मुझे खाना बनाने वाली नहीं बल्कि एक बीवी की जरूरत है। मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। मल्लेश्वरी मिल गई है, कल सवेरे उसकी लाश मिल जाएगी तुम्हें। मल्लेश्वरी, वन मिनट, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बात यह है कि तुम जो फैसला लोगी उस पर मली, अरे बुक अच्छी है, इसमें हीरोइन को हीरो मार देता है, लेकिन पता आखिर में चलता है, सस्पेंस। अब क्या हो गया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या गलती की मैंने? हाँ कुछ लेंगे सर, बाद में। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या मुझे पता है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, लेकिन मेरे पास है, मेरी तनख्वाह सब कुछ खटपिट के 90,000 रुपए है। अरे कितना भी खर्च करें फिर भी पैसे बच जाएंगे, बाकी के सब पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, उन पैसों से तुम चाहो तो सोना खरीद लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सर इडली डोसा चाहिए। अरे तुझे खाने का सूझ रहा है, यहाँ लोगों को क्या प्रॉब्लम है ये नहीं दिखता? इडली लाओ डोसा लाओ, हमने शादी कर ली तो प्रॉब्लम ही खत्म, इडली डोसा घर पे बना सकते हैं। एक सीक्रेट बात बताऊं, एक पॉश कॉलोनी में एक फ्लैट ले रहा हूं। और एक बात कहूं तुम्हें, ये बात मैंने भैया को भी नहीं बताई है, डबल बेडरूम फ्लैट 1,000 स्क्वायर फीट, इस कोने से उस कोने तक जाने में 1.5 मिनट लगता है। हाँ एक बार हाँ कह दो सर, आंखों पे बैठा कर रखूंगा तुम्हें, तुम्हारे लिए रोज एक फूल का गजरा, हफ्ते में एक बार एक मूवी, महीने में एक बार पिकनिक, और साल में एक बार एक फॉरेन ट्रिप जरूर करेंगे। अरे भाई पैसे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई फैसला मत लो, टेक योर ओन टाइम, कल शाम को मिलूंगा तब अपना फैसला सोच समझ कर बताना, ठीक है? यहाँ पर दो लोग बहुत देर से खाने के लिए बैठे, उनका ऑर्डर नहीं लोगे क्या? यूं ही यहाँ से वहाँ टहलते रहोगे क्या? जाओ जल्दी जाकर दो कॉफी लाओ। ये जगह बहुत अच्छी है। ये क्या, खाना खिला रहा है कि जान ले रहा है? ये क्या मल्लेश्वरी, तुमने तो आधी कर दी, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, हाँ और तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो, ये किताब ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? सर मैं विक्टर बोल रहा हूँ। तुमने उसे ठिकाने लगा दिया? नहीं सर, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। आखिर कर क्या रहे हो तुम, कहने को प्रोफेशनल किलर हो। ओ, क्या है ना सर, एक आदमी ने मेरे पैरों के बीच में मार दिया, फिर उंगलियां सूप में जल गई, सर खंबे से टकराया, डोर खोलने की कोशिश की, सब गड़बड़ हो गया। ध्यान से सुन, अगर तेरे लिए मुश्किल है तो मैं ये काम किसी और को दे देता हूँ।
कोई जरूरत नहीं सर, उस लड़की को मैं ही मारूंगा। अगर मैंने किसी को भेजा तो वो उसे नहीं मारेगा, तुझे मारेगा, याद रखना। हेलो आंटी, मैं प्रसाद बोल रहा हूँ, मल्लेश्वरी को बुलाइए ना। मल्लेश्वरी घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। कौन है? याद है जो मल्लेश्वरी के लिए रिश्ता लेके आए थे, उनका छोटा भाई प्रसाद है। देखो प्रसाद, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, परसों तुम्हारे भाई मेरे घर पर आए थे, उन्हें भी कह दिया था, तुम्हें भी कह रहा हूँ, आज के बाद यहाँ कभी भी फोन मत करना। कोई भी फोन करेगा तो बताती रहोगी, ये बताओ तुम्हें अक्कल कब आएगी? अब क्या मैं किसी के साथ फोन पे बात भी नहीं कर सकती? ध्यान रहे, अगर वो फोन करता है या घर पर आता है तो उसे कुछ भी नहीं बताना है, समझ गई? नमस्ते जी, कौन हो तुम लोग? मल्लेश्वरी जी के जन्मदिन के लिए बुके ऑर्डर किया था जी। बेवकूफ हो क्या, बर्थडे मल्लेश्वरी का नहीं, उसके दोस्त का है, ऑर्डर किए घंटों बीत गए, अब ला रहे हो? अभी तो वो शिपयार्ड पर पहुंच चुकी होगी। शिपयार्ड किस लिए? किस लिए क्या, पार्टी बोर्ड पर है ना। ओह, तो डिलीवरी भी मैं वहीं कर दूंगा, चलता हूँ सर, चलता हूँ आंटी। आंटी बोला, तुम उसे जानती हो, तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने ही तो कहा था प्रसाद से बात नहीं करने के लिए। मतलब प्रसाद यही है? ए, रुक जाओ। अगर आज मैं मल्लेश्वरी को नहीं मार पाया तो आप सिर्फ मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आज उस लड़की को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। पार्टी तो बहुत जोर से चल रही है। हाँ, वो तो दिख रहा है। ए, चल जल्दी चढ़। आ रहा हूँ सर, आपके पीछे ही हूँ। हाय। हेलो हेलो। तुम्बो गीता का भाई। आई सी, वेरी नाइस टू मीट यू, मैं सीता का हस्बैंड हूँ। वेरी ग्लैड टू मीट यू। और आप? मैं लता का बॉयफ्रेंड हूँ। ओह, वेरी ग्लैड टू मीट यू। वेरी सैड टू मीट यू। ये देख, गीता वहाँ पर है, आ जा। बट एक्चुअली थैंक यू, पर मेरा बर्थडे नेक्स्ट मंथ है। वो नेक्स्ट मंथ मैं गांव जा रहा हूँ ना, इसलिए एडवांस में दे दिया। सो स्वीट, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ब्यूटीफुल ना? यहाँ कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, केक है, लेकिन काटने के लिए चाकू कहाँ है? हाय, गुड इवनिंग मैडम। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? मेरे जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। क्यों फिल्मी डायलॉग मार रहे हो सर? तुम हर जगह बिना बुलाए क्यों पहुँच जाते हो? अगर पुजारी नहीं बुलाए तो क्या मंदिर जाना छोड़ देते मल्लेश्वरी? ये डर कैसा? ये भी घिसा पिटा है सर। नहीं है। ओह लेडीज, तो लाइटर तो होगा? इडियट। थैंक्स। अब डिस्कशन बेकार है, मैं तीन तक गिनूंगा, अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं बोला तो फिर मैं यहाँ से कूद जाओगे? नहीं, इसे फेंक दूंगा। प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में, मुझे क्यों बीच में ला रहे? देख, मैं प्यार के लिए मरूं तो रूटीन होगा, तू मरे तो अलग होगा। तैयार है? 1 2। सर 10 दिन में मेरी शादी होने वाली है, बिना मुझे क्यों फंसा रहे हो? 3 देखो, अब सुनो। तुम इतना हैरान क्यों? ये तो तुम्हारा अपना भाई है ना, इमोशनल हो गया होगा। आप कौन है? मेरा नाम प्रसाद है, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी के लिए यहाँ पर आ गया, उसने ना बोला तो मैं मर जाऊंगा। क्यों है हुस्न पे तुझको गुरूर इतना, तेरे आगे पीछे रहता हूँ आँख न दिखा, तुझे प्यार करना मेरी भूल है क्या, तेरी आँखों में पड़ी हुई धूल है क्या, तुझे तुझे चाहता हूँ मैं बस तुझे, मुझे मुझे तू मान ले अपना मुझे।
क्यों है हुस्न पे तुझको गुरूर इतना, तेरे आगे पीछे रहता हूँ आँख न दिखा, तुझे प्यार करना मेरी भूल है क्या, तेरी आँखों में पड़ी हुई धूल है क्या। बोल दे अगर हाँ तो देखो महारानी की तरह, ना कहेगी तो छोड़ूंगा ना मैं रास्ता तेरा, इस तरह से नखरे दिखाना नहीं ठीक सुन जरा, ये हसी मौका दोबारा कब आए क्या पता, बता दे तू मेरी कमी जो मुझे दूर कर रही, हुआ है शोर इस तरह क्यों अभी। क्यों है हुस्न पे तुझको गुरूर इतना, तेरे आगे पीछे रहता हूँ आँख न दिखा, तुझे प्यार करना मेरी भूल है क्या, तेरी आँखों में पड़ी हुई धूल है क्या। तुझे तुझे चाहता हूँ मैं बस तुझे, मुझे मुझे तू मान ले अपना मुझे। जैसा तुझे भी रहना है तो बता, मुझसे अच्छा लड़का कहीं से तू ढूंढ के तो ला, मुझ वाला हूँ मर्द मैं ये कहता हूँ जाने जा, शर्म रोकती है अगर तो इशारे से बुला, जो है तेरे लिए बना तू पहचान ले जरा, बदलना चाहता हूँ अपनी जिंदगी। क्यों है हुस्न पे तुझको गुरूर इतना, तेरे आगे पीछे रहता हूँ आँख न दिखा, तुझे प्यार करना मेरी भूल है क्या, तेरी आँखों में पड़ी हुई धूल है क्या। तुझे तुझे चाहता हूँ मैं बस तुझे, मुझे मुझे तू मान ले अपना मुझे। ये क्या दे रहे हो, बीपी कम करने का कुछ दो। ये पीपी की दवाई है। डैडी फोन। हेलो सर, मैं शंकर, मैं वाइजाग पहुंच गया हूं। तो मैं नाचू क्या सर? आउटगोइंग फ्री है तो बार बार फोन करते हो, काम हो जाए तो फोन करो। ओए चाय लेकर आ। लाया साहब। बॉस वो देखो। सर रोड इधर है। है रोड तो दिखाई दे रही है लेकिन हैंडल ठीक से नहीं घूम रहा है, लगता ऑयल कम हो गया है। सर 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 एक मिनट, इधर शिपयार्ड में कोई पार्टी हो रही है क्या? हाँ हम वहीं से आ रहे हैं। इस पार्टी में किसी मलेश्वरी को। मलेश्वरी? मलेश्वरी को क्यों नहीं जानते? अच्छे जानते।
तुम्हारा उससे क्या रिश्ता? चाचा हूँ। आपके होने वाले रिश्तेदार हैं। वो कौन सी कार से आ रही है? एम्बेसडर। नंबर भी मालूम है, 2343। वो देखो कार भी आ गई। मलेश्वरी, मलेश्वरी, रुको रुको। मलेश्वरी, उतरो, उतरो। देखो तुमसे मिलने कोई आया, बोल रहे हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार है। सर बहुत अच्छे लोग हैं, माचिस मांगा तो लाइटर दे दिया। ये देखो चाचा जी, तुम्हारी मलेश्वरी। दादाजी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल? अपोलो। घबराने की कोई बात नहीं है, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। चलो हमारे साथ चलो। मलेश्वरी ये रखो, खर्चे में काम आएंगे, ठीक है? वहां पहुंचते मुझे फोन करना, ठीक है? आपके छट्टे। मलेश्वरी, ये तुम्हारे चाचा है? ए, क्या हुआ तुझे? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, अब कुछ होने वाला है। हट। मलेश्वरी क्या है? टायर की हवा निकाल दी। सर आपने तो बोला था उनकी कारों की हवा निकालने के लिए बोला था। इसका ड्राइवर कहाँ है? वो तो कब का भाग गया। चल आ जा, आओ। मैं भी आता हूँ। जल्दी आओ। ए, रुक क्यों गई? आ जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अकल है तुम्हें? मैं ही मलेश्वरी हूँ, ये क्यों बताया? मैंने कहा बताया, उन्हें पूछा था। मतलब वो आपके रिश्तेदार नहीं थे? बेवकूफ, अब समझ में आया तुझे? लेकिन वो लोग हैं कौन? मुझे नहीं पता, मुझे अर्जेंट हैदराबाद जाना है। ओके, सुन, कल शाम की ट्रेन का रिजर्वेशन। ओके सर। कल नहीं, अभी जाना है। अभी कैसे जाओगी? किसी से लिफ्ट मांग लूंगी। और आधा घंटा रुकेंगे तो आपके मामा ही हमें लिफ्ट देंगे, सीधा ऊपर जाएंगे। सही बोला तू। शट अप। और नहीं तो क्या, इतनी रात को तुम्हें वहाँ तक कोई लिफ्ट देने वाला मिलेगा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। मुझे मत मारिए सर। नहीं सर, सॉरी। एक लड़की के साथ ऐसे बात करते हैं? क्या हुआ सर, इसे ऐसे क्यों मार रहे? इस लड़की को अर्जेंट जाना है और ये लिफ्ट के लिए मना कर रहा है, जूते माने चाहिए सर। कार ही नहीं तो मैं लिफ्ट कहाँ से दूंगा? बेचारे के पास कार नहीं है तो लिफ्ट कैसे देगा? ये बात पहले बोली चाहिए थी ना, गधा कहीं का। नाम क्या है? क्वालिस। कार का नहीं, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। पप्पू, पप्पू रंगीला। करते क्या हो? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है सर। शादियों का काम करते हैं सर, जैसे केटरिंग वगैरह। तो वाइजक में क्या कर रहे हो? अपने लिए लड़की दिखने आया था। ओ, तो क्या हुआ? वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। नसीब वाली है वो। लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। सामने देख के चला।
जरा सामने देखना। आप तो सनी पाजी हो सर। मतलब क्या है? मतलब आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अबे ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कौन हो? ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? इस वक्त हैदराबाद क्यों जा रहे हो? अगर ऐसे सवाल तुमने पूछे ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, आप जैसा कहें। अच्छा हुआ ज्यादा बात नहीं की, वरना मेरा दिन एंड हो जाता। क्या हुआ? गाड़ी रुक गई सर। लेकिन क्यों रुक गई? क्योंकि टायर पंचर है सर। देख क्या रहे हो, तो फिर जल्दी टायर बदलो। इतने अंधेरे में नहीं बदल पाऊंगा। इतना उजाला काफी है। स्टेपनी नहीं है सर। ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। अगर ये पहले बता दिया होता तो आप गुस्सा कर। मतलब मैं तुम्हें गुस्सा करने वाला दिख रहा हूँ क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बीपी का पेशेंट हूँ? असल में मुझे गुस्सा ही नहीं आता, समझे? आपका प्यार देख के सब समझ गया। अब क्या करेंगे? यही रुकना पड़ेगा। पास में कोई अच्छा होटल है क्या? नॉन एसी नहीं चलेगा, एसी चाहिए। बिना एसी के मुझे नींद नहीं आती। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अपना मुंह बंद रखो। मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। संभाल के चला। वो लड़की है लेकिन हिम्मत बहुत है उसमें। सही कहा तुमने। लेकिन वो घमंडी भी है। ये भी सही कहा तुमने। यहीं पे सो जाते हैं। ओके सर। क्या सोच रहा तू? हम लोग ऊपर कैसे चढ़ेंगे? अपन ऊपर क्यों चढ़ेंगे, घास को नीचे ले आएंगे। करेक्ट सर। फिर देर किस बात की, चलो। ये क्या बॉटल से मुंह लगा के पी लिया, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? ओ, झूठा नहीं पियोगी क्या? नहीं। ठीक है, अब मैं भी नहीं पियूंगा। मैनरलेस फेलो। आला। बहुत पकड़ो इसे। बहुत पकड़ो। चलो हम सोते हैं। ओ सॉरी, तुम सो जाओ। क्यों लक्ष्मण रेखा बना रही हो क्या? सुबह उठते ही तुम्हारा चंडाल चेहरा मुझे नहीं देखना है। अरे छोड़ो, रात को अगर तुम्हारी शक्ल देख ली तो मुझे नींद नहीं आएगी। स्टूपिड इडियट। थैंक यू, सेम टू यू। अब तुझे कैलोरी सुनाऊं? नहीं, कहानी। सोते वक्त मैं कहानी सुनता हूँ, अगर आप कहें तो मैं इन्हें गाना गा के सुना दूं। तू गाना मत गा, मैं कहानी सुना दूंगा। लेकिन उसमें भूत की कहानी नहीं होनी चाहिए। क्यों, डर लगता है क्या? नहीं डर तो नहीं लगता, लेकिन अगर आप मुझे सिनेमा की कहानी सुनाइए ना। सिनेमा की कहानी बोले तो, एक बार मैं एक फिल्म का सेकंड शो देखकर वापस घर आ रहा था। उस समय ठंड के दिन थे, पेड़ों पर खामोशी छाई हुई थी, सड़कों पर सन्नाटा था। बाइक की स्पीड बढ़ाई और फिर एक गली में मुड़ गया मैं। गली के आखिर में स्ट्रीट लाइट जल रही थी, तभी दूर से ऐसी आवाज आई। कुत्ता नहीं, उल्लू। मैं बिल्कुल नहीं डरा और अपनी बाइक पे आगे बढ़ गया। गली के आखिर में एक शमशान पड़ता था और मुझे घर जाने के लिए उसे पार करना होता था। जैसे ही मैं शमशान के पास पहुंचा था, स्ट्रीट लाइट बुझ गई। मुझे थोड़ा डर लगा, मैंने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। फिर अचानक आवाज आई, टायर पंचर हो गया। तुम्हारा मुंह क्यों नहीं पंचर होता? मैं गाड़ी से उतरा और पैदल चलने लगा। फिर लगा कि पीछे कोई आ रहा है, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो देखा कि सामने मेरा दोस्त है। तो मैंने उससे पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है इस समय? तो उसने कहा कि मैं आजकल यहीं रहता हूँ। मैं बहुत डर गया और उससे पूछा कि एक सिगरेट मिलेगी क्या? उसने अपने कान से निकाल कर सिगरेट दी। मैंने कहा कि मेरे पास माचिस नहीं है, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास है, और उसने अपनी जलती हुई उंगली दिखाई। मैं डर गया और फिर मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। सामने दूर एक मुर्दा जल रहा था, उसके पैर दिखे। वैसे तो पैर नॉर्मल थे, लेकिन उसके पैर उल्टे हो गए थे। ये तो कहानी सुनते ही डर गया। खूबसूरती है जैसे फूलों के जैसे नाजुक, कभी कालिदास ना है तू, यू ना पीछा कर मेरा तू।
कितने सालों तक खेले छुपा छुपी, परेशानी की वजह है तू ही, हाय गुस्से में भी लगती है नाजुक तू, कवि कालिदास ना है तू, यूं ना पीछा कर मेरा तू। शिकवा ना बोलूं तो भी है शिकवा, मैं तो तेरा बनके ही रहूं, मेरे लिए जन्म लिया था, मेरे लिए जान भी देगा, आखिर तेरी मैं क्या लगती हूं, तुझ पे फिदा करूं ये जान भी मेरी, मुझ पे भी कर ले यकीन तू, हर बात क्यों देगा हराता है ऐसी शरारत भी मंद कर दे, तेरी खूबसूरती है जैसे जैसे नाजुक, अजीब है तेरी, यहाँ से वहाँ तू जाए, दाएं जाए बाएं जाए, कैसी परेशानी है तेरी, तुझको भगा ले जाऊं संग मेरे, अब अपनी रजा भी मुझे दे दे तू, बातों से मुझे गुमराह न कर, नशा सा चढ़ा मुझे घेरे से, तेरी खूबसूरती है जैसे फूलों के जैसे नाजुक, कवि कालिदास ना है तू, यू ना पीछा कर मेरा तू, हाँ कितने सालों तक खेले छुपा छुपी, परेशानी की वजह है तू ही, गुस्से में भी लगती है नाजुक तू। पप्पू कहाँ रह गया? पंचर बनवा कर अभी तक आया नहीं। अब क्या आएगा वो? वो बदमाश कहीं भाग गया होगा। अरे जाएगा कहाँ, उसे आना तो यहीं पड़ेगा ना। इतना यकीन कैसे है? इसीलिए तो मैंने उसका पर्स मार लिया, ये देखो। तुमने चोरी की है? हाँ बिल्कुल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कल फाइटिंग की, आज चोरी की, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। शट अप। ऐसे क्या देख रही हो? अकेले ऐसे खाने में शर्म नहीं आती क्या? साथ में कोई है उसे नहीं पूछते हो? तुमने तो कहा कि तुम झूठा नहीं खाओगी। वो कल की बात है। तुम राजनीति में चले जाओ, सब फेल हो जाएंगे। क्या करी? मार कर रही हो? झूठा खिलाया? गाजर खाने से ताकत आती है सुना था, लेकिन पहली बार देखा कि बाजू वाले में आती है। कितना और दूर चलना है? जस्ट 1 किलोमीटर। बस उतना ही, फिर आदत पड़ जाएगी। ये लो। चलो चलो, मैं पानी में नहीं उतरूंगी। सैंडल खराब हो जाएगी। तो फिर अपने हाथों में उठा लो। मैं नंगे पैर नहीं चलूंगी। अच्छा है। हाँ तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, किसी और पर बैठकर जा रही हो। ठीक से उठाना भी नहीं आता क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई घोड़ा हूँ जो वजन उठाता है? भैंस जितना वजन है तुम्हें। मुझे भैंस बोल रहे हो? जाने तो भैंस को ही मल्लेश्वरी बोलेंगे। मुंह बंद कर अपना। मुंह बंद करो अपना। हाँ तुम्हें डांट रही हूँ, यहाँ कोई और दिखाई देता है? इसे पकड़ो। अगर एक बार और डांटा ना तो यही पानी में पटक दूंगा। पंक्चर बना दिया साहब। हाँ, ए फुल टैंक कर देना, समझा? सर कुछ पीना चाहेंगे? कोल्ड ड्रिंक है क्या? हाँ है सर, लेकिन चिल्ड होना चाहिए। हाँ तो कितना हुआ? 1200 रुपए से। क्या बात कर रहे हो, नई सरकार आई है तो पेट्रोल का रेट कम हुआ ना? मेरा पर्स गुम हो गया। आ, आ, आ,
आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? ए, एक रुपए दो। थोड़े प्यार से नहीं मांग सकते? ये एक रुपए के लिए तुम्हारे पैर पकड़ूं क्या? हाँ, गला नहीं पकड़ा वही गनीमत है। हेलो मत। क्या कर रहे हो तुम? गुंडे आ रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। अरे रुको, मैं उठाता हूँ। नहीं, मैं उठाता हूँ। अरे मैं उठा रही हूँ ना। अरे बाबा रुको, मैं उठाता हूँ ना। ओफो, मैं मुझे अरे ये क्या क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम हाथ निकालो। अरे क्या कर रहे हो तुम? मेरे मुंह पर है। ओह, ये हाथ हटाओ मेरे चेहरे से। ये तो मेरे ही हाथ है। ये रख लो। शुक्रिया साहब। अरे रे पप्पू, ये क्या हुआ मेरे लाल? क्या हुआ मेरे दोस्त? अपनी पंचर गाड़ी बहुत ही स्लो लेकर आ रहा था, इतने में रास्ते में पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी गायब हो गई और मैं यहाँ पर आ गया। ये सरासर झूठ है। झूठ बोला कब छोड़ोगे तुम? कल रात को आपने मुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया था ना सर। सर प्लीज इस तरह गुस्से से मत देखा कीजिए। बोलो। मुझसे सच बोलने के लिए आप ही ने कहा था ना सर, गाड़ी पंचर थी। मैंने उसमें पेट्रोल भरवाया, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी। पीने के बाद देखा तो जेब में पर्स नहीं था। मैंने फौरन जाकर मैनेजर से बात की। अच्छा। लेकिन उसका गुस्सा देखते ही मैं डर गया। उसके बाद क्या हुआ? करना क्या था, मैं यहाँ पर सफाई कर रहा हूँ। पर्स खोने पर कितनी तकलीफ होती है आज पता चल रहा है। पर्स से एक बात याद आई मुझे, रात को ये पर्स घास पर पड़ा हुआ था, तेरा है क्या? सर आपने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ। तू कहीं से घुमा देता इसलिए मैंने इसे निकाल लिया। क्या कर मैं जा रहा हूँ सर, मुझे माफ कीजिए सर, मैं यहाँ और गाड़ियों की सफाई नहीं कर सकता। ये क्या है? बिल। ये क्या है? पैसे। मटकते हुए चली जा रही है। इसे मेंटेन करने के लिए बैंक में काम नहीं करना पड़ेगा, बैंक को लूटना पड़ेगा। कितने दुबला हो गया रे तू पप्पू, पर्स नहीं था तो तुझे कितना काम करना पड़ा। अरे ये चेन बेच देता। ये गोल्ड असली नहीं है सर। ये बात थी तो फिर गाड़ी का डीजल बेच देता, उससे पैसे मिलते काम चल जाता। अगर मैं इतना होशियार होता तो आपको लिफ्ट ही क्यों देता सर? वो तो है। जल्दी आओ, टाइम हो रहा है। अरे आ रहे ना बाबा, महारानी की तरह ऑर्डर दिए जा रहे हो जैसे हम नौकर हैं तुम्हारे। पप्पू सर कार रोको। क्यों रोकूं? अरे पूछ कर रहा, कह रही रोक तो रोक। वो देखो वो रहा सुपरमार्केट। अरे यार औरतें अपनी सारी बात मर्दों के सामने थोड़ी बोल सकती है। आपके सामने मर्द भी नहीं बोल सकते। अरे दो चाय देना जरा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं क्या? मल्लेश्वरी आपकी क्या लगती है? मेरी होने वाली बीवी। बहुत लकी हैं सर आप, अच्छी लड़की पटाई है आपने। नॉनसेंस, मैं उसके पीछे नहीं, वो मेरे पीछे पड़ी। क्या कह रहे हैं, वो पीछे पड़ी है? हाँ, मैं लाइब्रेरी जाता था इसलिए वो भी वहाँ पर आ जाती थी ठीक 5 बजे। एक दिन लाइब्रेरी नहीं गई और मेरे घर आ गई, और इसके बाद तो एक दिन वो बैंक में मेरे पास आ गई। पिछले महीने मेरे एक दोस्त का बर्थडे था शिप पर, वो वहाँ पर भी आ गई और मैं उसे मना नहीं कर सका। उसकी जिद के आगे मेरा दिल पिघल गया यार। मैं भी कब से वही सोच रहा था सर, आपके पीछे कोई लड़की पड़े आप में ऐसी बात क्या है? सर भाभी ऑटो रिक्शा में जा रही है। मेरे बिना वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती। सर सर, वो मैडम ने आपके लिए चिट्ठी दी है। हैदराबाद तक लिफ्ट देने के लिए पप्पू को थैंक्स, और कुंवारे प्रसाद को भी थैंक्स। मेरा पीछा मत करना मल्लेश्वरी। सर टी। जुबली बस स्टैंड पर आपको ड्रॉप कर दूं क्या? वो क्यों? वहां से वाइजैक की बस मिलेगी। वो ऑटो चली गई तो मैं बस से चला जाऊंगा। मल्लेश्वरी मेरे प्राण है, जब तक वो नहीं मिलेगी मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। इसमें शक्कर नहीं है, थोड़ी शक्कर लेकर आना। इतने बड़े शहर में आप भाभी को कहां ढूंढेंगे सर? आज सवेरे उसने पेट्रोल पंप से अपने घर पे फोन किया था, उसी नंबर से एड्रेस ढूंढ लेंगे। आप लोमड़ी की तरह चलाक हैं सर। सही बोला तू। फिर भी भाभी आपको चकमा देगी।
मूर्ति जी चाचा जी, वैजाग में तुम्हें किसी पर शक है? नहीं चाचा जी, वहाँ उसके बारे में कोई नहीं जानता। फिर वो हैदराबाद से निकलने की बात तुम्हें किसने बताई? मल्लेश्वरी की जान बचाने वाले बैंक एम्प्लॉय प्रसाद के प्यून ने आकर बताया, सुनते ही मैं यहाँ पहुँच गया। क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि उस भवानी पर केस करना चाहिए। अगर केस फाइल की तो ये केस चलता रहेगा और सरकार इस प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर लगा देगी। मतलब अगर हमला करे तो यहाँ से भाग जाए या फिर मर जाए, फिर भी किसी को मालूम नहीं पड़े। अगर कोर्ट को पता चला तो ये भी मुसीबत है। ऐसी बात नहीं है फिर सर। क्या है? इतने दिनों तक हमने मल्लेश्वरी को छुपा कर रखा, ये हमारी गलती है। उसे सिक्योरिटी नहीं पब्लिसिटी चाहिए, इसीलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना होगा। उसके बाद सब कुछ बताएंगे। मल्लेश्वरी पे जो हमले हो रहे हैं वो भी बताएंगे, लेकिन जो हमला कर रहा है उसके बारे में नहीं बताएंगे। फिर मीडिया देख लेगी। ये आइडिया अच्छा है। ये आइडिया जरूर काम करेगा। कल को अगर मल्लेश्वरी गलती से गिर भी जाए तो इसका शक भवानी शंकर पर ही होगा। ओके, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो। आपको एड्रेस गलत मिला है सर? नहीं रे, सही है। या फिर ये फोन नंबर गलत होगा सर? एक बार अंदर जाकर पता करें क्या? यहाँ तक आने में मैंने आपकी मदद की, अगर आप कहें तो मैं जाऊँ। इतना डर क्यों रहा है? अंदर जाएंगे तो मार डालेंगे क्या? मैं यहीं पर रहता हूँ, तू अंदर जाके पता सर, कर। क्या हुआ? अगर गए तो दोनों साथ में जाएंगे। अगर कोई गाड़ी चुरा ले गया तो? उसकी इंश्योरेंस है, मेरा नहीं है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। सुनो, सारी कुर्सियाँ ठीक से लगाओ, इसे निकालो यहाँ से। हाँ, ऊपर ऊपर लगाओ। ये यहाँ पर क्यों है? आगे लगाओ। जरा माइक पकड़िए। हाँ, हाँ। ए बालू, आपने बुलाया सर? मेरे रूम से सिगरेट पैकेट लाओ। लाइटर कौन देगा? एस्ट्रे भूल गए क्या? हाँ? एस्ट्रे देना। किसको चाहिए? है ना कोई मेरे सिर पे। सताने से बचने के लिए सिगरेट लाइटर सब जेब में लिए घूम रहा हूँ। एस्ट्रे भूल गया था, लेने आना पड़ा। सुनो, मेरे मालिक को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। एक नंबर का आलसी है, हर काम के लिए दूसरे का मुंह देखता है। मैं फंस कुछ भी बोलता रहता है। एस्ट्रे। तो बालू, तुम मेरे पीठ पीछे बहुत बात कर रहे हो। कॉन्फ्रेंस हो जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। सर, ये आपको कैसे सुनाई दिया सर? माइक कहाँ है? माइक पॉकेट में रख के घूम रहे हो क्या? सुनो बालू, तुम गेट के पास जाओ। रुको, समझ लो क्या करना है। सबको अंदर मत भेजना। कौन सा पेपर है पूछ कर ही अंदर भेजना। जाओ जाओ। आ जाना। आ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। किस पेपर से हो? युवा भारत। युवा भारत, ये देखिए। सर, अगर इंग्लिश पेपर होता तो पूछता भी नहीं। अरे छोड़ना। इतने बड़े घर में भाभी क्या कर रही होंगी सर? बच्चों को ट्यूशन दे रही है और बुड्ढों को दवा दे रही है। जीने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। यहाँ भाभी को नौकरानी की तरह काम करना पड़ता होगा ना। एक बार वो हाँ तो कह दे, फिर उसको रानी की तरह रखूंगा। हेलो, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? जेंटलमैन, मिर्जापुर राज घराने के बारे में आप सभी को पता है। जमीन जायदाद के लिए पिछले 20 सालों से चल रहे कोर्ट केस के बारे में आपको पता है। इस स्थान की महारानी से आज आप लोगों का परिचय कराने के लिए ये प्रेस मीट रखा है। नाउ आई टेक द प्लेजर ऑफ प्रेजेंटिंग द ओनली लीगल हेयर ऑफ लेट राजा जगदीश चंद्र प्रसाद, हर हाइनेस मिस मल्लेश्वरी, द प्रिंसेस ऑफ मिर्जापुर।
इतनी अमीर लड़की, उसने आपको कितने अच्छे से धोखा दिया है ना सर? धोखा नहीं पप्पू, इतनी अमीर होकर भी वो हमारे साथ रही, ये उसका बड़प्पन है। फिर भी झूठ बोलना गलत बात है ना सर? मलेश्वरी ने झूठ नहीं बोला पप्पू, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन आप भाभी से प्यार करते हैं, ये झूठ नहीं है। सही कहा, ताजमहल देखने की ख्वाहिश रखनी चाहिए लेकिन उसमें रहने की नहीं। लार, इसका मतलब क्या हुआ? वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम उसके दुश्मन हैं। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? एक चूहा बोल रहा है कि उसके घर में बिल्ली है, अगर चूहा मर गया तो किस पर शक होगा, ये बताइए। मतलब हमारे ऊपर शक होगा, फिर बिल्ली क्या करेगी? नॉनवेज खाना बंद तो नहीं किया उसने? जरूरत नहीं है, बस आप जो भी करेंगे खुलेआम नहीं करेंगे। मतलब चाकू अपना हो तो हाथ अपना नहीं होना चाहिए। इल्जाम अपने ऊपर नहीं आना चाहिए, मल्लेश्वरी को मरना होगा। ए बॉबी, इस हसीना को ढेर सारा कैशर कॉटन की साड़ी दिलवा दो। ठीक है डैडी। आज के समाचार, बंगाल में आज तेज तूफान आया। तूफान किसी भी वक्त आ सकता है, बंगाल में तो इसकी बिजली कभी की कड़क चुकी है, इस तरफ वो किसी भी लम्हा आ सकता है। स्टेशन बदलता हूं सर। सर सर सर, बंद कर देता हूं। आप हंसते रहते हैं और दूसरों को रुला देते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। आप भाभी को भूल जाइए, अच्छा रहेगा। मुझे तो उसे भूले बहुत टाइम हो गया, तू ही नहीं भूला उसे अब तक। जाने का दिल नहीं कर रहा ना सर, शुरुआत में ऐसा ही होता है लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। चले ऑटो। जुबली बस स्टॉप मालूम है? तुझे मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो बैठना। प्रसाद, कार में आ जाओ। तुमसे कुछ काम है, घर पर चलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी तो घर पे नहीं है सर, वो कह के गई है सर्दी लेने जा रही है। जल्दी साफ कराओ। गौरी, साफ करो। चाचा जी, परसों मल्लेश्वरी को गुंडों के हमले से बचाने वाला यही लड़का है। नमस्ते। नमस्ते। बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। तुमने कभी पहले उन बदमाशों को देखा है क्या? नहीं सर, लेकिन उनकी बातचीत से लग रहा था वो हैदराबाद की थे। उनको देखकर पहचान पाओगे? मैं कमिश्नर से बात करके आइडेंटिफिकेशन का बंदोबस्त करता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ 2-3 दिन रुकना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? मैं बैंक में काम। क्यों, निकाल देंगे क्या? मैटरनिटी लीव लगा दो, वो छुट्टी पुरुषों को नहीं मिलती। वो सब बाद में देखते हैं, पहले तुम इन्हें गेस्ट रूम ले जाओ। चलो आओ। रूम तो बहुत अच्छा है। तेरा नाम क्या है? बाला सुब्रमण्यम। ये क्या है? कपड़े। इसे मैं रख लूं क्या? आज रख लो, कल धुलवा के इस्त्री करवा के दे देना। बालू, एक ग्लास दूध ले आओ। जल्दी लाना। ओ, फ्लावर पॉट यहाँ रखा हुआ है,
बाथरूम बाथरूम। किधर क्या रखना है नहीं मालूम। हाय स्नूपी, ये मुझसे भी ज्यादा लेजी है। हाँ? 10 रुपए के फूल के लिए 1000 रुपए का पैंट गिरा दिया। इन लोगों में अक्कल नहीं है। क्या लग रहा है? कम 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 कम। स्नूपी। तू? क्यों इतनी जल्दी भूल गई? तुझे यहाँ किसने आने दिया? तुमने तो बुलाया नहीं। आंधी जिस तरह आने से पहले किसी से नहीं पूछती, उसी तरह से मैं भी आया हूँ। ये बात अगर दादाजी को पता चली तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे दादाजी ने ही मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है। झूठ बोल रहे हो तुम। ये वरदान तो भगवान ने तुम्हें ही दिया है, मुझे नहीं दिया है। ओए। ए, मैंने कभी झूठ बोला है क्या? अपनी जिंदगी में तुम ही झूठ बोली हो। तुम्हारा नाम झूठ, तुम्हारा गाँव झूठ, तुम्हारा फोन नंबर झूठ, तुम अनाथ हो बोलना भी झूठ। तुमने भी तो अपने भैया के बारे में झूठ ही बोला था ना। पागल लड़की, मैं झूठ बोलता हूँ सिर्फ लोक कल्याण के लिए। इतनी होशियारी मत दिखाओ, तुम्हारी शादी नहीं हो रही। मल्लेश्वरी, I already told you, तुम किसी भी बारे में बात कर लो लेकिन मेरी शादी के बारे में बात मत करना। अपनी मर्यादा में रहना तुम। क्या कर लोगी? अरे ये तो क्या कर लोगी? तुमसे शादी करेगा भी कौन? ये तुम्हारा शहर नहीं, मेरा पैलेस है। इतना मार खिलवाऊंगी कि याद रखोगे। घोर कलयुग है ये। मैंने इसे गुंडों से बचाया और आज ये गुंडों से मुझे मार खिलवाएगी। यस, मुंह बंद करके पैंट पहन के पड़े रहो। तुमने जितना परेशान किया है सारा बदला लूंगी तुमसे। इसका नाम मल्लेश्वरी नहीं पाताल भैरवी होना चाहिए था। डिनर रेडी है, जाकर लेके आओ। नहीं आएगा, वहीं जाना होगा। ये रूल है कि रिक्वेस्ट है? बाय ऑर्डर। कहाँ ले जा रहा है मुझे? सर, आप मुझे यार मत बोलिए। ठीक है, नहीं बोलूंगा। है? ऐसा लग रहा है कि मैं खाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, खाना हजम करने के लिए जा रहा हूँ। ये वाकई अच्छी है। ये लिफ्ट है? मल्लेश्वरी की माँ है। आइए, बस हम पहुंच ही गए। अब मैं नहीं चल पाऊंगा। और कितनी दूर है भाई? यह है डाइनिंग हॉल। लग रहा है जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाब हो गए। चलो। और कुछ? घी मिलेगा क्या? मिलेगा। कहाँ जा रहे हो भाई? कोने में है, लेकर आता हूँ। नहीं, रहने दो, कल जब वहाँ बैठूंगा तो ले लूंगा। तुम एक नंबर मिलाओ जरा। 0891 STD है। क्यों नहीं मिलता यहाँ से क्या? 2754540। हेलो हेलो भैया, मैं बोल प्रसाद, कैसा है तू? भैया आपको एक बात पता है, मल्लेश्वरी मूर्ति सर के घर की कमाली नहीं है, मिर्जापुर की राजकुमारी है। हाँ, मैंने भी पेपर में पढ़ा था। मैं भी उसके पैलेस में ही हूँ। हाँ, यहाँ पर मुझे एक रूम दिया है। बाथरूम में टब, बेडरूम में AC, डाइनिंग रूम में फोन, और बदन दबाने के लिए, पीठ रगड़ने के लिए एक नौकर, और एक शानदार पलंग भी है जिसे देखते ही सोने की इच्छा नहीं होती, लेकिन अगर उस पर सो गए तो उठने की इच्छा नहीं होती। तेरा अच्छा देखभाल कर रहे हैं ना? हाँ भैया, मैं यहाँ पर किंग हूँ। पूरा किंग कॉन्ग है। ओके नहीं, अच्छा भैया ये बताइए कि भाभी और डॉली कैसी हैं? फर्स्ट क्लास है। अच्छा भैया, भाभी को बोलना कि मेरी बाइक को पोंछ दिया करे। फिक्र मत कर, तेरी भाभी उसे रोज धो रही है। थैंक्स। डॉली तुझे बहुत मिस कर रही है, ले उसे बात कर। बात कर, बात कर। चाचू, मेरी याद आ रही है ना? 4 दिन में वापस आ जाऊंगा। पता है मम्मी क्या कह रही थी पापा से? कि आपके जाने से हम कितने हैप्पी हैं। हाँ?
अपने जैसे मिडिल क्लास लोगों का प्यार इन अमीर लोगों को क्या मालूम। सर इस महल में सब लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए आप भी अगर चले जाएंगे। अंधेरा हो रहा है और यहाँ से बहुत ही दूर जाना है। ठीक है सर, आप जाइए। ओके, आपको रास्ता पता है ना? ए, एक बार रास्ता देखने के बाद 10 साल तक नहीं भूलता मैं। सर उधर से नहीं, इधर से। शयाना बनता है। सॉरी, लगा कि मेरा बेडरूम है। सारे दरवाजे एक जैसे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मेरे रूम का दरवाजा बता दीजिए। मलेश्वरी सो गई, फिर तुम उस रूम में क्या कर रही थी? चुप क्यों हो भाई? वो जो बालू है ना, वो काम कम करता, बात ज्यादा करता, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम बात भी कम करती हो और काम भी कम। बहुत खतरनाक हो तुम। तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है, थोड़ा हंसो तो और अच्छा रहेगा। कल से हंसने की प्रैक्टिस करो। स्नूपी, स्नूपी। ए, ए, तू इसके चक्कर में मत पड़, अपना काम कर। चल स्नूपी, कम ऑन, कम। गलत है, गलत नहीं है। तुम कौन हो? वेंकटेश। बोले तो तेरी अंतरात्मा। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उस लड़की को ऐसे नहाते देखना गलत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस लड़की ने तुझे देखते हुए नहीं देखा। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। पागल प्रसाद, तू उस लड़की को कहाँ देख रहा है? तू तो दूर से स्विमिंग पूल को देख रहा है। बस बीच में लड़की आ गई और कुछ नहीं। नहीं, मैं उस लड़की को ही देख रहा था। तो देख, टॉप टू बॉटम देख, लेकिन ऐसे देख कि तुझे कोई नहीं देखे, ये इम्पोर्टेंट है। चलता हूँ। दिल में तो है कांटे चुभे रे मुझको, जब जब भी तू दिखे रे, ओ हसीना दूर मुझसे जाना। ना 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 ऐसा ना कर, तू आएगा मुश्किल में फिर, तू इस तरह करीब मेरे आना। दुआ क्यों अधूरी है, ये अब कैसी दूरी है? मुसीबत में आएगा जब तू ऐसे देखेगा। बड़ी चुलबुली लड़की, मस्ती भरी आदत तेरी, दिल बदलेगा कैसे तेरा ये बता दे मल्लेश्वरी। ना 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 ऐसा ना कर, तू आएगा मुश्किल में फिर, तू इस तरह करीब मेरे आना। डूब डूब सा जाता हूँ तेरे हुस्न में, शर्म शर्म से रहती हूँ, प्यार में तेरे कहती हूँ, चुलबुली हो जाती हूँ तेरे इश्क में। हाँ ऐसे मेरे पास आके, हाँ तू जाना ना नजरे बचा के। हाँ करना तू समझा, बड़ी चुलबुली लड़की, मस्ती भरी आदत तेरी, दिल बदलेगा कैसे तेरा ये बता दे मल्लेश्वरी।
क्या तेरे कानों में गूंजी क्या सदा, सुन रही है तू बेवजह क्यों इस तरह। चुरा चुरा के पुकारे क्या क्या मुझको तू घुमाएगा, अरमान पूरे करने को आजा। बड़ी चुलबुली लड़की मस्ती भरी आदत तेरी, दिल बदलेगा कैसे तेरा ये बता दे मल्लेश्वरी। क्यों अधूरी है ये अब कैसी दूरी है, मुसीबत में आएगा जब तू ऐसे देखेगा। बड़ी चुलबुली लड़की मस्ती भरी आदत तेरी, आहा। दिल बदलेगा कैसे तेरा ये बता दे मल्लेश्वरी। हाय स्नूपी, ये बात किसी को मत बताना हाँ, ओके? ये सब क्या किया तुमने? बोलो भी अब। मैंने कुछ नहीं किया है, यही मुझ पर अटैक कर रहा था। बेजुबान जानवर पर इल्जाम मत लगाओ। इसे जवान नहीं है लेकिन बड़े बड़े दांत हैं। मुझे कुत्तों से कभी डर नहीं लगा लेकिन अब इससे नफरत हो गई है मुझे। सर आपके कपड़े लाया हूँ, आप कैसे? दिखाई नहीं दे रहा क्या? प्रॉब्लम क्या है सर? ये है। मैं तो डॉग लवर हूँ सर। व्हाट इज हिज नेम? स्नूपी। हाय स्नूपी। पप्पू इसके मुंह मत लग। क्या सर आप भी ना? गया काम से। हे स्नूपी। देखा आपने स्नूपी को क्या कर दिया? तुम्हें क्या हो गया? क्या कर रहे हो? छुड़ाओ पप्पू को, छुड़ाओ बेचारे को। अरे पप्पू सर बचिए। पप्पू उधर नहीं, इधर। स्नूपी स्नूपी मुझे छोड़ दो। छुड़ाओ पप्पू को बेचारे को, देखो क्या कर रहा है उसके साथ पप्पू। तुम मेरे स्नूपी के पीछे क्यों पड़े हो? अरे पप्पू की तो जवानी बर्बाद होगी बेचारे की। अरे पप्पू डर मत। अरे स्नूपी को इधर बुलाओ, बुलाओ ना महेश्वरी। ओहो बेचारा पप्पू, पप्पू। अरे रोको उसको। क्या क्या अरे पीछे क्यों आ रहा है पप्पू? अरे पप्पू कैसे हुआ ये हादसा? खिड़की से नीचे कूद गया था। खिड़की से गिरने से कोई मरता है क्या? खिड़की सेकंड फ्लोर पे है। बेचारा बहुत अच्छा कुत्ता था, कभी भौंकता नहीं था, बस कभी कभी काटता था। आई गीता में यही लिखा है, जो आता है एक दिन चला जाता है। वास्तव में बहुत अच्छा कुत्ता था, कुत्तों का सरताज था वो। हे प्रभु, अगर कुत्तों का कहीं स्वर्ग है तो इसे भी वहीं भेज दे ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले। सर मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं इसकी समाधि बनवाऊंगा, वो भी मार्बल से। हर रोज समाधि पर दीपक जलाने की मैं शपथ लेता हूँ। सच में? और क्या, इसकी कसम। I love you Snoopy. I love you too Snoopy. मली जाने दीजिए सर। कोने में पैलेस बनाया, ऑटो तक यहाँ नहीं मिलते, हमें जाना पड़ता है। इतने पैसे वाले हैं, एक दो ऑटो ही खरीद कर रख देते पैलेस में। सर क्या है? मैडम जी कार में ही हैं। मैं उनकी गोद में नहीं बैठा हूँ, एक खाली सीट पे बैठा हूँ। मैडम जी हाँ चलो। कहाँ जाना है? शॉपिंग। लेना क्या है? पर्सनल आइटम्स। साफ साफ बताएंगे? चड्डी लेनी है यार। सर दो ही है मेरे पास, एक को धोकर चुका दिया। और दूसरी वाली कल कुत्ते ने फाड़ दी। मतलब दुई
लू, जरा कार साइड में रोकना। ए बहुत जल्दी 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 हाँ चल मेरे साथ चल, यहाँ चड्डी मिलेगी क्या? देखते हैं। मैं वीआईपी जॉकी जैसी बड़ी कंपनी के अलावा दूसरी चड्डी नहीं पहनता, वो मिलेगी क्या वहाँ? क्या पता सर, इन कंपनियों के बारे में तो आप बेहतर जानते हैं। मतलब बेस्ट। नमस्ते सर। हाँ। उस ट्रक का नंबर देखा? नहीं सर। क्या आपको किसी पर शक है? नहीं। देखिए राजा जी, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मेरी बात मानिए, आप एक बार भवानी शंकर से मिलिए और ये सारी दुश्मनी खत्म कर दीजिए, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं चलता हूं। सर, मुझे भी लगता है एक बार मिलना चाहिए। उससे क्या बात करनी है, उसका चेहरा देखते ही पाप लगेगा। बात करते हैं। मल्ली, मैंने तुम्हारे लिए जूस रख दिया है, जल्दी से पी लेना, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मल्लेश्वरी, टैबलेट वहां रख दो, डॉक्टर ने अभी लेने के लिए बोला था। थोड़ी देर बाद ले लूंगी। ले लो मल्लेश्वरी। मैंने कहा ना बाद में ले लूंगी। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो ये सब कर रहे हो? ठीक हो जाओ फिर गुस्सा करना। खाली टैबलेट, अब खड़े क्यों हूं, जाओ। प्रसाद, सॉरी थोड़े गुस्से में हूं। कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, आज तो सरकार को छुट्टी कर देनी चाहिए। क्यों? तुम हमेशा गुस्सा करती हो और सॉरी मैं बोलता हूँ। आज पहली बार तुमने गुस्सा किया और तुमने सॉरी बोला, इसलिए। मल्लेश्वरी, ये भवानी शंकर कौन है? बेवकूफ, अखबार नहीं पढ़ता क्या? एक छोटे से ऑटो से 4-5 लोग मर जाते हैं। इतना बड़ा ट्रक दिया था तुझे, एक लड़की नहीं मार सका। लाइसेंस किस बेवकूफ ने दिया तुझे? ए, तूने कहा था ना कोई गवाह नहीं होना चाहिए, चूहे बिल्ली का खेल समझाया था मुझे। ये बेकार का आइडिया मत दिया कर। अगर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा तो मेरा कुछ नहीं होगा सर। लेकिन मल्लेश्वरी को मारना मेरा सिर दर्द है और केस नहीं बनना तेरा सिर दर्द। आगे से बेकार के आइडिया मत दिया कर। चलो रोरिंग कब शुरू कर रहा हूं? 4-5 दिन में सर। क्यों अब डर लगा ना? लिफ्ट से पहले तुम नीचे चले जाओगे, जमीन से जैसे टकराओगे सर फूट जाएगा तुम्हारा, फिर गर्दन टूटेगी,
इसके बाद तुम्हारे हाथ पैर टूटेंगे और इसके बाद तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। मुझे छोड़ दो। बोलो तुम्हारी उम्र कितनी है? 50-60 साल ना? मीठा खाए तो शुगर, नमक खाए तो ब्लड प्रेशर, मिर्ची खाई तो अल्सर, ठीक से खाना नहीं खाया तो मर जाओगे तुम। क्यों चाहिए इतनी जायदाद? बाप मर गया तो उसकी नौकरी मिलेगी, माँ मर गई तो उसका सोना मिलेगा, पूरा परिवार मर गया तो जायदाद मिलेगी। ऐसी कमीनी सोच छोड़ दे तू। मल्लेश्वरी पर एक और बार हमला हुआ ना तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी, समझा? और हाँ, ये पता करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना कि मैं कौन हूँ। दुनिया मुझे प्रसाद कहती है, आंध्रा बैंक में अकाउंटेंट हूँ, अभी तक शादी नहीं हुई है। अगर तेरे पास कोई रिश्ता हो तो बोल। हाँ, तेरी बेटी नहीं होनी चाहिए। क्यों सर, डिस्चार्ज मिल गया? तू यहाँ का इंचार्ज है? नहीं। फिर डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? बकवास करता है। यूजलेस फेलोज। कोई काम धंधा तो है नहीं, फालतू में सबके पीछे पड़े रहते हैं। ये देखो कचरे का बैग यहाँ रखा है। ये डिस्चार्ज कब हो गया? ए, एक तरफ। मैडम आ रही है ना? आई मैडम। अरे एक तरफ हटिए ना, मैडम आ रही है। क्या कर रहे हो तुम? संभल के सीढ़ियां नीचे आइए। हाँ छोड़ो, मैं क्या बीमार हूँ? अरे अब तो गुस्सा हो गई। एक मिनट मैं खोलता हूँ। आइए बैठिए बैठिए। आगे की सीट पे जाओ। हाँ चलो। देख रहे हैं सर, सिर्फ नाम का बड़ा हॉस्पिटल है, पेशेंट के लिए बेड तक नहीं है। ए, तुम सामने देख के चलो, कार में मैडम बैठी है। आप कंफर्टेबल तो है ना? देख रही हूँ कब से नाटक कर रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम फिर से गुस्सा हो जाओगी। नहीं होंगी। क्या है ये? ये वो पैसे जो तुम्हारे लिए खर्च हुए थे। वही जो वाइजक से हैदराबाद आते वक्त मैंने खर्च किए थे तुम्हारे लिए, 4,250 रुपए। आइसक्रीम 120 रुपीस। बटर स्कॉच वाइजक में लिया था ना, तुम याद है ना? फ्लावर बुके 200। तुम्हारी दोस्त का बर्थडे था, इसके लिए खरीदा था ना, वो भी तुम्हारे अकाउंट में। एसटीडी बिल 150 रुपीस। वो पेट्रोल पंप से हैदराबाद फोन किया था ना, वहाँ मैंने दिल खोल कर अपने पैसे खर्च किए, लेकिन जब यहाँ आया तो पता चला कि तुम कितनी पैसे वाली हो, इसलिए थोड़ा मिल जाता तो। एक्चुअली बात यह है कि हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, इसलिए अगर थोड़े तुम्हारे अकाउंट से पैसे मिल जाते तो। कुछ मत बोलो, लड़की पर खर्च हुए पैसों को वापस मांग रहे हो, तो इसमें गलत क्या है? छी, कल तुमने ही फ्रेंड बोला था ना। फ्रेंड से वापस पैसे लोगे? मैं तुमसे उधार थोड़ी मांग रहा हूँ, अपने पैसे मांग रहा हूँ, इतने पैसे का क्या करोगे तुम? और कुछ बोला तो जान से मार दूंगी। इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारे दादाजी से वसूलूंगा। मेम साहब, मुझे कुछ खरीदना है। ठीक है। जल्दी बाहर निकलो। क्यों बाली, जल्दी बाहर आओ। कमॉन, सर गुड न्यूज, हम केस जीत गए। ये देखिए कोर्ट की कॉपी। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। कांग्रेट्स। थैंक यू। चलो चलो। ये लो पैसे। क्या कर रहे हो? ये भी शॉपिंग करने का वक्त है? अरे तुम चलो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चलो इसके साथ खेलते हैं। ये खेलने वाला। चलो।
ऐसे ही खड़े रहो। आपको कौन सा चाहिए? वो कितने का? वो 15 रुपए का है। ग्रीन कलर वाला देना। वो जो नवा है, चलो। भैया, बाबू, कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है, पैसे दे दो। तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता है। कहाँ गए वो? चलो। शंकर, मलेश्वरी कहाँ है? बैठो। रहने दो, ये सब दिखावा छोड़ो। तुम्हारे खिलाफ जितने भी केसेस हैं सब वापस लेता हूँ। मेरी पोती को कुछ मत करना। इसके बदले क्या चाहिए? जायदाद चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, पैसा चाहिए, बस बोलो क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो इस घर की बहू बने। यस, मलेश्वरी से मेरा बेटा शादी करेगा तो मैं बख्श दूंगा उसे, प्रॉमिस। बस यही उपाय है। छोड़कर यहां से चले जाओ प्लीज। चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें रोते हुए नहीं हंसते हुए देखकर जाऊंगा। तुम्हें राजकुमारी की तरह देखकर चला जाऊंगा। मैंने वाइजेक के रोड पर जिस मलेश्वरी को देखा, जिस मलेश्वरी ने मेरे साथ कॉफी पी, पता नहीं था वो राजकुमारी है। ये बात सोचकर ही अपने आप पर गर्व होता है। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मेरे साथ रहोगे तो तुम भी मारे जाओगे। मेरे बारे में सोचकर तुम्हें क्यों परेशानी हो रही? तुम्हें कुछ नहीं होगा मलेश्वरी, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। एक बात जान लो तुम, तुम्हें मारने से पहले उन्हें मुझे मारना होगा। आओ चलो। अब हम रिश्तेदार हो गए। मल्ली, मल्ली, क्या हो बेटा? सब ठीक तो है ना? आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमने सब बात कर ली है। भवानी शंकर और हम अच्छे दोस्त बन गए। अब कोई मनमुटाव नहीं रहा। बेटा, तुम्हें पता है, भवानी शंकर भी यही चाहते थे। उनकी एक छोटी सी इच्छा है कि तुम उनकी घर की बहू बनो। भाई, इसमें क्या परेशानी है? एक ना एक दिन तो हमको मिलकर रहना ही है ना। होने वाले ससुर जी का आशीर्वाद लो बेटा। तुम क्या सोच रही हो? आशीर्वाद लो। खुश रहो। आप तो जानते हैं कि मुझे एक बेटी की बड़ी चाहत थी। भगवान ने मेरी सुन ली। इतनी खूबसूरत बेटी दी है। खूबसूरत बेटी के साथ सोना भी तो मिल रहा है।
भाभी जी लीजिए ना। नहीं भाई साहब, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। क्या कह रही हो भाभी, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, लेकिन मैं तो पी रहा हूँ। शायद आपको कुछ गलत फहमी है, डॉक्टर ने आपको ड्रिंक्स लेने मना किया है। हमेशा नहीं पीता, कभी कभार। अरे सुनो, इस बिचारी का सर कितना गीला है, कहीं बीमार ना हो जाए। अंदर जाके सर पहुँच लो। ये बात तो तुम्हें समझनी चाहिए थी, अब जल्दी अंदर ले जाओ इसे। जी ठीक है, जल्दी लेकर जाइए, नहीं तो निमोनिया हो जाएगा इसे। अरे प्रसाद। हा? प्रसाद एक मिनट, तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। आज रात को तुम जरा बालू के कमरे में सो जाओगे। हा? वो क्या है कि मेहमान जरा ज्यादा आ गए और भवानी शंकर जी मर्यादा का ख्याल ज्यादा रखते हैं। तुमको यहाँ देखकर वो अपने मन में जाने क्या सोचे। बड़े आदमी हैं इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, कर लोगे ना? चला जाता हूँ सर, मेरे कपड़े ले मैं मंगाता हूँ ना। बालू, प्रसाद का बैग लेकर आ जाओ। क्यों भाई, क्या हुआ, कुछ सीक्रेट बात? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रसाद जाने के लिए कह रहा था तो मैंने कहा रुक जाओ। क्या हुआ भाई, कल मल्लेश्वरी का बर्थडे है, इतने दिन रुके हो तो एक दिन और रुक जाओ। हाँ। मूर्ति याद है, कभी इसके लिए तूने मेरा कॉलर पकड़ा था और इन लोगों ने मेरे पैर पकड़े हैं। अब जब पैर पकड़ ही लिए हैं तो करोड़ों की जायदाद ठुकरा कैसे सकता हूं। अब ध्यान से सुन, कल सुबह तक मैं मल्लेश्वरी को मार डालूंगा, प्रॉमिस। क्या बात कर रहे हो सर? बेवकूफ लोग, एक सांप को घर बुलाकर इज्जत दे रहे हैं, नहीं जानते कि मैं इन्हें डस लूंगा। भाई साहब चलिए, खाना तैयार है, बिरयानी ठंडी हो रही है। तो तुम पक्का नहीं जा रहे हो, कल पार्टी अटेंड करके जा रहे हो। सर रहने दीजिए, मैं लेकर चलता हूं। उन्हें भूल जाइए सर, उनका सिर्फ घर ही बड़ा है, उनके दिल बहुत छोटे हैं। कल तक जो मल्लेश्वरी को मारना चाहते थे, आज उसके रिश्तेदार बन गए हैं। अपनी जान की बाजी लगाकर आपने उनकी जान बचाई, और आपके साथ क्या हुआ? कैसे आदमी हैं ये लोग? मैडम ने भी आपको थैंक्स नहीं बोला। कोई बात नहीं बालू, काम के पैसे मिलते हैं, उधार दो तो ब्याज मिलता है, लेकिन मैं मदद करूं तो थैंक्स मत बोलना। 10 साल से यहां काम कर रहा हूं सर, लेकिन एक भी राजा नहीं दिखा। आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि राजा की शान ऐसी होती है। सर आप चले जाइए सर, आप जैसे लोगों का यहां काम नहीं। चला जाऊंगा बालू, बस ये रात रुक कर चला जाऊंगा। दरवाजा खोलो। मल्लेश्वरी, मल्ली मल्ली दरवाजा खोलो। मल्ली मल्ली, लगा है कुछ चोर घुसा है, उसी को पकड़ने चला है। पर बाहर तो कोई भी नहीं है। लेकिन तुमने अंदर से दरवाजा क्यों बंद किया? नहीं सर, यकीन मानिए यहाँ कोई आया था। इतनी रात गए, ये इस कमरे में क्या कर रहा है? ए,
बहुत ज्यादा शरीफ मत बन तू। सर इसी ने मुझसे कहा था कि आज रात मलेश्वरी को मार देगा। क्या बकवास कर रहा है, होश में है तू? जरा एक बार सोचिए, एक्सीडेंट इन लोगों ने करवाया था, आदमी भेजकर मलेश्वरी को इन्होंने मरवाना चाहा, इनकी बात का भरोसा करेंगे या मेरी? सर बताइए, मलेश्वरी तुम ही सच्चाई बताओ। ए, नाटक बनकर क्या बक रहे हो, पीकर आए हो क्या? निकलो यहाँ से। सर कोई बात नहीं, मेरा भरोसा मत कीजिए, लेकिन इसका भी मत कीजिए सर, ये मलेश्वरी को मारना चाहता है। मलेश्वरी ये आस्तीन का सांप है, इस पे भरोसा मत करना। ए प्रसाद, मुंह संभाल कर बात कर। देख क्या रहे हो, निकालो इसे बाहर। सॉरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। निकलो यहाँ से, निकल यहाँ से। सर सर मेरी बात सुनिए, निकल यहाँ से। सर सर मेरी बात सुनिए, मुझे पता है तू ये सब क्यों कर रहा है, हमने तेरा रिश्ता ठुकराया था ना, इसीलिए ये सब हो रहा है। हमारी गलती थी कि ये सड़क छाप को यहाँ पर लेकर आए। उसे छोड़ दो भाई। आपको नहीं पता इसने आज हमारा विश्वास तोड़ा। हाँ। सुनो, किसी मनुष्य पर हाथ उठाना गलत बात है। सुनो भाई, अगर जोर से झगड़ा करोगे तो मेरा बेटा उठ जाएगा और पूछेगा कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। कल कितना बड़ा शुभ काम होने वाला है, ये सब करते हुए अच्छा लगता है। किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है, चोरों की तरह खिड़की से नहीं आते हैं, बहुत गलत बात है। चलो चलो। समझाऊं बेरुखी कुपल की जान लेती है मेरी, है कसम भर के भी तुझको चाहेंगे यूं ही, बस तेरी खातिर ये जिंदगी मार दी। आए मुझे देखूं जिधर देखूं जहां, तू ही तू जिंदगी, तू ही मेरे दोनों जहां, इस तरह प्यार में आई क्यों दूरियां, मेरी जमी आसमां ढूंढे तुझे है कहां, हो गई किस लिए दर्द की हर लम्हा हर पल तुझको अपने पास में पाऊं, तुझे भूल जाना मुश्किल कितना कैसे समझाऊं। ये नदी बह रही शाम सुबह, पाई है प्यार की मैंने क्यों ये सजा, तुम गए दूर क्यों ये बता मुझको जरा, बोल दो एक दफा थी मेरी क्या खता, जुदा होके तू गया टूटा ऐसे दिल मेरा, रात दिन तेरे बिन जी रहे बेवजह।
सभी को नमस्कार। आपको पता ही होगा कि मलेश्वरी का आज जन्मदिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बर्थडे पर एक कैंडल बढ़ जाता है, लेकिन इस बर्थडे पर मलेश्वरी का बैंक बैलेंस 750 करोड़ बढ़ेगा। आज भवानी शंकर जी 20 साल से उनके कब्जे में करी हुई जायदाद को कानूनी तौर पर मलेश्वरी को हैंडओवर करेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मलेश्वरी पूरे समाज के सामने भवानी शंकर के घर की बहू बनने जा रही है। नाउ आई वेलकम हर हाइनेस कुमारी मलेश्वरी, प्रिंसेस ऑफ मिर्जापुर। इसी वक्त से ये सारी जायदाद आपकी हुई, यहां साइन कीजिए। ये लीजिए पेन। पिताजी की दी हुई जायदाद को मेरे दादाजी ने मुझे देने के लिए कोर्ट के कई चक्कर काटे हैं। इसके लिए लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। ऐसा ना होने पर वो लोग मुझे उनके घर की बहू बना रहे हैं। मल्ली, दादाजी मुझे बोलने दीजिए। मैं युवरानी बनने से पहले एक आम लड़की की तरह रही हूँ। मेरा भी एक मन है, मेरी भी ख्वाहिशें हैं। उसकी परवाह किसी को भी नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है, वही सबको चाहिए। सब लोग सिर्फ मेरा पैसा चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान है जो सिर्फ मुझे चाहता है। उसका नाम है प्रसाद। मैं जब उसके साथ रहती हूँ तो मुझे एक अलग एहसास होता है। जब मैं उसका हाथ थामती हूँ तो मुझे हिम्मत मिलती है। उसके साथ रहने पर मुझे फिर से जीने की इच्छा होती है। उसकी पगार बहुत कम है, हर रोज एक फूल का गजरा खरीदता है, हफ्ते में एक बार सिनेमा दिखाता है। मुझे गुस्सा आए तो वो हंसता है, मुझ पर मुसीबत आए तो वो रोता है, मैं रोती हूँ तो मुझे हिम्मत देता है। एक लड़की को उससे ज्यादा क्या चाहिए। मुझे इस महल में युवरानी की तरह रहने से अच्छा उसके दिल में महारानी की तरह रहना पसंद है। इसलिए ये सारी जायदाद मेरे पिता के ट्रस्ट को मैं डोनेट कर रही हूँ। मलेश्वरी, मलेश्वरी, मैं मेरे बेटे से शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें आप बालू, क्या कर रहे हो? बैठो। हटो, रास्ते से हटो। सॉरी, ही इज नो मोर। रुक जाओ, पप्पू आ जाओ, जल्दी कम ऑन, जल्दी जल्दी चलो।
ध्यान दीजिए, हैदराबाद से विशाखापट्टनम उधर चली, आइए आइए बेटा, टीम पर जाने के लिए तैयार है। प्रसाद सर कहाँ हैं आप? प्रसाद सर, प्रसाद सर, प्रसाद सर, सर, प्रसाद, कुंवारा प्रसाद। मल्लेश्वरी मल्लेश्वरी, कितनी बार बोला ऐसे मत बुलाया करो, ये तो तुमने यहाँ बोला, अगर मेरे घर पे बोलती तो मेरी इज्जत खराब हो जाती ना। अरे इतने लोगों के सामने अगर इज्जत नहीं करोगी तो कौन मुझे अपनी लड़की देगा, तुम ही बोलो, मेरी शादी नहीं होगी। का अपार्टमेंट सेक्टर 18 एमबीपी कॉलोनी। हाय, थोड़ा लेट हो गया, फ्लैट बहुत बढ़िया। थैंक्स भैया, रेंट कितना है? वन मिनट। कांग्रेचुलेशंस प्रसाद बाबू, पूरी जायदाद ट्रस्ट के नाम कर दी, बहुत अच्छा काम किया, वरना पैसे गिनते गिनते मैं पागल हो जाता। बताना रेंट कितना है? ए सुनो, जरा सुना। हाँ बोलिए सर। ये ले। क्या बात है सर, आपने बिना पूछे पैसे दे दिया। जाकर मिठाई लेकर आ। सुन, मुझे पता है यहाँ का रेंट ज्यादा है, तेरा प्रमोशन हुआ है क्या? प्रसाद, अरे तुम्हें नहीं, वो कुंवारा वाला जो है वो। ये क्या है सर, अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादी शुदा हूँ, मैं मल्लेश्वरी का पति हूँ। सुनो जी, गुस्सा मत करो। तो ठीक है बालू, इसे पीना गलत बात है ना? रेगुलर नहीं पीनी चाहिए, बस दिन में एक पैकेट। पप्पू आ रहा हूँ सर। सर बालू है, सिगरेट पीना गलत बात है ना? क्या कहा? जरा पीछे देखिए ना बालू, अभी आया। बालू तुम सिगरेट पीते हो? सॉरी मैडम, अब नहीं पीऊंगा। सॉरी बोलने से क्या होता है, ये देखो इनकी शर्ट जल गई। प्रसाद बता रेंट क्या है? आप गुस्सा मत होइए, बहुत नादान है वो। क्या आपको मालूम है? क्या आपके भाई ने ये फ्लैट किराए पर नहीं लिया है, लोन पर खरीद लिया है। देवी जी क्या खिचड़ी पका रही हैं आप? कुछ नहीं, आपके भाई को गुड न्यूज दे रही थी। तो हमें भी बताइए जरा। मेरा हैदराबाद ट्रांसफर हो गया है। कांग्रेचुलेशंस, आपके पति को बताइए। नहीं, वो हैदराबाद से यही आ रहे हैं, तो अब उन्हें सरप्राइज दे दूंगी। डार्लिंग देखो मेरे पति देव आ गए। गुड न्यूज, मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया।